अध्याय 91 से 110। जब ये जियो चौथी मंजिल पर पहुंचा, तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि पुस्तकालय में प्रतिबंध की एक परत है। उस प्रकार का प्रतिबंध ज्यादातर एक प्रकार का सरणी गठन था। तथाकथित सरणी गठन एक विशेष ऊर्जा थी जिसे विशेष रूप से परिष्कृत अयस्कों का उपयोग करके उत्पादित किया गया था, जो एक निश्चित मार्ग में संचालित होते हैं। उस विशेष ऊर्जा के आक्रामक और रक्षात्मक दोनों रूप थे। हालांकि यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस रूप में था, यह जबरदस्त शक्ति के साथ फूट सकता था। सरणी विभिन्न क्षेत्रों में छिपी उच्च स्तरीय खेती तकनीकों की सुरक्षात्मक छतरी थी और यह सुरक्षा की पहली पंक्ति भी थी। इसलिए यह आमतौर पर 9 प्रांतों के गठबंधन के शीर्ष सरणी विशेषज्ञों द्वारा अनुबंधित और निर्मित किया गया था। यही कारण है कि हालांकि यांग झेंगी एक महान ग्रैंड मास्टर थे, उनके पास आसानी से साधना तकनीक को चुराने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि ये जियो को निर्देशक की मंजूरी थी, इसलिए वह आसानी से चौथी मंजिल में प्रवेश कर सकता था। चौथी मंजिल पर काफी संख्या में लोग थे और जितना उसने सोचा था उससे थोड़ा अधिक भी था। करीब 100 से 200 लोग थे। वे लोग निश्चित रूप से नीचे के लोगों की तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि यहां हर एक व्यक्ति कम से कम हॉटियन 5वीं कक्षा से ऊपर था और इसमें हॉटियन 5वीं कक्षा शामिल नहीं थी। दूसरे शब्दों में वे सभी लोग जियांगई शहर के विलक्षण थे। अगले कुछ दशकों में यह बहुत संभावना थी कि वे जियांटियन क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जब ये जियो पहुंचे तो कई निगाहें उस पर पड़ी। जब उन्होंने देखा कि उसने केवल अपनी हॉटियन द्वितीय श्रेणी के आभा को प्रकट किया है, तो वे कुछ परेशान महसूस करते हुए अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाने में मदद नहीं कर सके। बेशक वे भ्रमित थे, उनके जैसे हॉटियन द्वितीय श्रेणी के कचरे में चौथी मंजिल में प्रवेश करने की योग्यता कैसे हो सकती है। ये जियो ने भीड़ की परवाह नहीं की। वह सीधे चला गया और अपनी मनचाही किताबों की खोज करने लगा। कहने की जरूरत नहीं है कि चौथी मंजिल पर कई आश्चर्य थे। ये जियो अभी अभी एक बुकशेल्फ के सामने आई थी। उसने अभी अभी अपना हाथ बढ़ाया था और उसे एक किताब पर रख दिया था। अगले सेकंड में उनके शरीर में दिव्य आत्मा की गोल्डन बुक हिंसक रूप से हिल गई, जिससे वह थोड़ा सहम गए। इसके तुरंत बाद वह प्रसन्न हुआ और उसे बाहर निकालने के लिए पहुंचा। वह शस्त्र शोधन की कला पर एक पुस्तक नहीं थी, बल्कि हड़ताल तकनीकों पर एक पुस्तक थी। ये जियो ने पहले स्ट्राइक तकनीकों पर थोड़ी खेती की थी, इसलिए उसे कई बुनियादी साधना तकनीकें नहीं मिली। केवल 2 पुस्तकें थी। उन्हें यहाँ तीसरी किताब मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इसका बहुत जल्दी अध्ययन किया और इसे अपनी दिव्य आत्मा में अंकित कर लिया। उसके बाद उन्होंने विरूपण साक्ष्य शोधन तकनीकों की खोज जारी रखी। उस प्रक्रिया के दौरान उन्हें कभी कभी एक बुनियादी साधना तकनीक का सामना करना पड़ता था, जिसे अन्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन गोल्डन बुक में शामिल नहीं किया गया था। जब से ये जियो ने बिग डिपर की ग्रैंड मिस्टर आध्यात्मिक साधना तकनीक की खेती की, उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह बहुत सक्रिय था। इसलिए उनका स्पष्ट था कि यहाँ वितरण दर और भी अधिक थी। यह नीचे से लगभग 10 से 15 गुना अधिक था। दूसरे शब्दों में कोई व्यक्ति नीचे 10,000 पुस्तकों को पढ़कर केवल एक बुनियादी साधना तकनीक पा सकता है। उस स्थान पर किसी को खोजने के लिए केवल 1,000 पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। ध्यान से सोचने पर समझ में आया, ये सभी पारलौकिक स्तर से ऊपर की साधना तकनीकें थीं, जबकि नीचे की सभी साधना तकनीकें मूल रूप से सामान्य थीं। साधना तकनीकों की नक्काशी और विकास के लिए योद्धा के पास पर्याप्त अनुभव और एक निश्चित स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। साधारण साधना तकनीकों में प्रवेश स्तर की नींव कम थी, इसलिए निश्चित रूप से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने उनकी नकल की होगी। कुछ हॉटियन तीसरी या चौथी श्रेणी के मार्शल कलाकार साधारण साधना तकनीकों को अपनाने में सक्षम हो सकते हैं। ट्रांसेंडेंट के लिए उन्हें अनुकूलित करने में सक्षम होने के लिए ग्रैंडमास्टर रैंक से ऊपर के विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। इस तरह खेती की तकनीकों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अनजाने में छोड़ी गई किताबों का एक बड़ा हिस्सा ये जियो के लिए हटा दिया गया था। हालांकि ये जियो के लिए पारलौकिक स्तर की साधना तकनीक पढ़ने में सामान्य स्तर की साधना तकनीकों की तुलना में निश्चित रूप से धीमी थी, लेकिन यह छोटा अंतर लगभग नगण्य था। आखिरकार उसकी खेती पहले से ही बहुत अधिक थी। थोड़ी सी समझ से ही वह इसे बहुत जल्दी समझ पाएगा। हालांकि ये जियो मुख्य रूप से जिस चीज की तलाश कर रहा था
वह अभी भी आर्टिफैक्ट शोधन तकनीक थी। आधे दिन के समय में उन्होंने कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए लगभग 3 और बुनियादी साधना तकनीकों की खोज की। इस तरह उनके पास पहले से ही आयुध शोधन तकनीकों के लिए 8 बुनियादी साधना तकनीकें थीं। हालांकि दिव्य आत्मा की गोल्डन बुक ने अभी तक एक फीकी फ्लोरोसेंट रोशनी का उत्सर्जन नहीं किया था। वह नहीं जानता था कि संश्लेषण करने से पहले उसे और कितने की आवश्यकता थी। डिंग, बहुत जल्द पुस्तकालय के बंद होने का संकेत देते हुए घंटी की आवाज आई। हालांकि ये जियो आज काम पर नहीं गया था, फिर भी उसे तब भी जाना पड़ा जब रात में पुस्तकालय बंद हो गया। कुछ देर के लिए अपना सामान समेटने के बाद ये जियो ने सभी का पीछा किया और चौथी मंजिल से निकल गए। निर्देशक द्वारा दी गई मंजूरी से उन्होंने अनुमान लगाया कि अगले महीने उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और वो समय समय पर चौथी मंजिल पर पढ़ने के लिए आ सकते हैं। यह अद्भुत था। हालांकि जब ये जियो चौथी मंजिल से बाहर निकली और नीचे हॉल में पहुंची तो दरवाजे से सायरन की आवाज आई। उसके बाद कई गैरिसन टीम के सदस्य अंदर आ गए। ये जियो अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाने में मदद नहीं कर सका। क्या चल रहा है? बू हाई ने भीड़ में से उसकी तरफ देखा और चुपचाप उसे याद दिलाने के लिए आगे बढ़ा। ओल्ड ये, जल्दी से चले जाओ, आपकी लाइब्रेरी ने एक स्टार बीस्ट के उतार चढ़ाव का पता लगाया है। ये जियो थोड़ा चौंका। पुस्तकालय में एक तारे के जानवर का उतार चढ़ाव था, उसे इसका आभास क्यों नहीं था? जैसे ही वह अचंभे में था, एक चांदी सफेद लोमड़ी की आकृति अचानक ऊपर से नीचे कूद गई। बस यह वहां पर है, जल्दी करो, पकड़ो। देखते ही देखते पूरा पुस्तकालय अस्त व्यस्त हो गया। जब गैरिसन के सदस्यों ने लोमड़ी का पीछा किया तो लोग घबरा गए। चांदी सफेद लोमड़ी ने भीड़ पर नजर गड़ा दी। उसकी आंखें दर्द और उदासी से भरी थीं। उसकी छोटी छोटी आंखों पर आंसू के निशान भी दिखाई दे रहे थे। जब उसकी आंखें ये जियो की नजर से मिली तो वह अचानक सिकुड़ गई और तुरंत कूद गई। वह टकटकी, घबरा गई और आत्मनिंदा हो गई। यह ऐसा था जैसे वह नहीं चाहता था कि ये जियो उसे इस तरह से देखे। हालांकि ये जियो समझ गई, वो स्टार बीस्ट नहीं था, वो निंग युहेन था। निंग युहेन के पास सिल्वर फॉक्स कबीले का गहरा खून था। पिछली बार जब किंग एल की आत्मा ने उसे अपने पास रखा था, उसने कुछ ऐसा किया था जिससे उसके शरीर में सिल्वर फॉक्स स्टार बीस्ट ब्लडलाइन धीरे धीरे सक्रिय हो गई थी। एक बार जब स्टार बीस्ट ब्लडलाइन सक्रिय हो गई तो मानव रक्त रेखा को खा जाने और उन्हें स्टार बीस्ट बनने की बहुत संभावना थी। यही कारण था कि दुनिया के तमाम देश जानवरों से बहुत सावधान थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे कब अस्थिर हो जाएंगे या वे एक बड़े बदलाव से क्यों गुजरेंगे। हालांकि ये जियो ने उस समय निंग युहेन की सिल्वर फॉक्स रक्तरेखा को दबाने के लिए पहले से ही एक उपचार साधना तकनीक का उपयोग किया था। इसने अपना प्रभाव क्यों खो दिया? उस समय वह पहले से ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग खोज के लिए कर चुका था। किंग एल ने पहले से ही कोई मानसिक छाप नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसके लिए निंग युहेन को बदलना असंभव था। उस समय पुस्तकालय में हलचल पहले से ही धीरे धीरे बंद हो गई थी, केवल कुछ ही आवाजें रह गई थी। गैरिसन टीम के सभी सदस्यों ने उस दिशा का पीछा किया जहां निंग युहेन भाग गया था। ये जियो अनुमान लगा सकता था कि निंग युहेन के पकड़े जाने के बाद उसका क्या होगा। एक पल के लिए सोचने के बाद ये जियो ने सभी का पीछा किया और पुस्तकालय छोड़ दिया। रात हो गई थी और चांद आसमान में ऊंचा लटक रहा था। दू चांगफेंग राज्यपाल की जागीर के प्रांगण में घास पर खड़ा था और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर आकाश की ओर देख रहा था। दू तियान्यू उसके पीछे खड़ा हो गया और ध्यान से कहा, अंकल, अभी अभी गैरिसन से खबर आई थी, उन्हें लाइब्रेरी में एक स्टार बीस्ट मिला। इसके परिवार के प्रकार को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह सिल्वर फॉक्स स्टार बीस्ट कबीले का है। सिल्वर फॉक्स, मुझे मिल गया, दू चांगफेंग ने हल्के से कहा, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता का संकेत था। अब आप जा सकते हैं, यहाँ एक अतिथि है, यहाँ आपके लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, दू तियान्यू ने जवाब दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या हुआ था, उसके चाचा का कोई बुरा इरादा नहीं था। कुछ देर बाद ही तेज हवा चली और आंगन में लगे पौधे कांपने लगे। दू चांगफेंग के कपड़े हवा में लहरा रहे थे जिससे वह और अधिक ईथर लग रहा था। दू चांगफेंग, लंबे समय से नहीं देखा। 30% स्मरण, 30% आक्रोश, 30% हत्या का इरादा और 10%
प्रेम को लेकर एक आवाज चुपचाप उसके कानों में घुस गई। अपने कमरे में छिपे दूतयानियों ने दरवाजे की दरार से देखा और अचानक चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आंगन में एक युवती ने फैशन और शान से कपड़े पहने नंगे पांव चुपचाप आ गई थी। हालांकि दूतयानियों को जिस बात से झटका लगा वह नहीं थी बल्कि 6 सिल्वर फॉक्स उसकी पीठ पर टिके हुए थे। वह एक स्टार बीस्ट थी और एक इंसान के रूप में उसकी ताकत असाधारण थी। डू चांगफेंग ने हल्की आह भरी। आपको वापस नहीं आना चाहिए था। स्टार जानवर और इंसान हमेशा विपरीत पक्षों पर थे। सिल्वर फॉक्स कबीले और इंसान हमेशा एक दूसरे के रास्ते से बाहर रहे थे। यदि आप मानव डोमेन में कदम रखते हैं तो आप निश्चित रूप से आकर्षित होंगे सिल्वर फॉक्स कबीले के प्रति मनुष्यों का भय और शत्रुता। हम्फ, नाटक करना बंद करो। उस समय सिल्वर फॉक्स कबीले की राजकुमारी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यहां तक कि आप मनुष्यों के लिए एक बेटे को जन्म दिया। क्या आप सभी ने उसे एक जैसा नहीं मारा? तब से सिल्वर फॉक्स कबीला अब तटस्थ नहीं रहेगा। मनुष्यों और सिल्वर फॉक्स कबीले के बीच टकराव लंबे समय से एक पूर्व निष्कर्ष बन गया है। दू चांगफेंग की आंखों में उदासी का एक भाव चमक उठा। क्या हमें वास्तव में ऐसी स्थिति में समाप्त होना है? जब आप ऐसा कहते हैं तो क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है? यह मनुष्यों की संकीर्ण दृष्टि और उनके अज्ञानी मूर्ख दिमाग है जो इस स्थिति का कारण बनते हैं। यह सिल्वर फॉक्स कबीले के कारण नहीं था। डू चांगफेंग ने एक गहरी सांस ली। आप सही कह रहे हैं। हालांकि एक मानव ग्रैंडमास्टर के रूप में मैं निश्चित रूप से सिल्वर फॉक्स कबीले को मनुष्यों के क्षेत्र में नियंत्रण से बाहर नहीं होने दूंगा। यदि आप 9 प्रांतों को नहीं छोड़ते हैं तो मैं केवल कार्रवाई कर सकता हूँ। फिर आगे बढ़ो और इसे आजमाओ। यू वे ने अपना हाथ उठाया और डू चांगफेंग पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े। डू चांगफेंग ने भी पलटवार करने के लिए अपना हाथ उठाया। दोनों हथेलियां टकरा गईं। एक पल में उनके आसपास का संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र नष्ट हो गया। शॉकवेव तेज हवाओं में बदल गईं जो सभी दिशाओं में बिखर गईं। बेहद मजबूत गवर्नर की जागीर जो विशेष सामग्रियों से बनी थी तुरंत उखड़ गई। अंकल जी, दूतयानियों सदमे में रोया। अन्य स्टाफ सदस्य भी इस बात से भयभीत थे कि उनके चेहरे घातक रूप से पीले पड़ गए थे। डू चांगफेंग की आंखें चमक उठी लेकिन उस व्याकुलता को यू वेई ने पकड़ लिया। उसकी हथेली से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर फिर से उठी और विशाल शक्ति तुरंत डू चांगफेंग पर अटक गई। छींटे, डू चांगफेंग ने एक कौर खून बहाया और उसे टूटे हुए तार के साथ पतन की तरह उड़ते हुए भेजा गया। यू वेई ने उसे नहीं मारा। एक जोरदार प्रहार के बाद वह प्रकाश की चमक में बदल गई। अगर मुझे राजकुमारी का बेटा मिल गया तो जियांगई शहर सुरक्षित रहेगा। अगर उसे कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूँ कि पूरा जियांगई शहर उसके साथ दफन हो जाए। डू तियानयू जल्दी से भागा और डू चांगफेंग को ऊपर उठने में मदद की। अंकल, अब हम क्या करें? डू चांगफेंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक लंबी आह भरी। नैंगोंग लिंग को सूचित करे कि वह उस सिल्वर फॉक्स रक्त रेखा का पीछा करना बंद कर दे। उसे मिलने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए। हाँ, ... उसी समय गैरिसन टीम के सदस्य जियांगई शहर की सड़कों से सिल्वर फॉक्स का पीछा कर रहे थे। इसे पकड़ो, जल्दी करो, इसे भागने मत दो। सिल्वर फॉक्स स्टार बीस्ट भयभीत था और केवल अपने जीवन के लिए दौड़ सकता था जिससे सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। जब वह एक गली के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो एक बड़ी ताकत ने अचानक उसे अंधेरे में खींच लिया। गर्जन, इसने एक धीमी गर्जना की जो खतरे से भरी हुई थी, लेकिन जब उसने दूसरे पक्ष की असली उपस्थिति देखी तो वह तुरंत दंग रह गया। उसके बाद उसका शरीर एक धुंधली सफेद रोशनी में अपने मानव रूप में लौट आया। यह निंग युहिन था। उसकी अभिव्यक्ति बहुत उदास थी और दर्द का एक निशान भी था। पर्यवेक्षक ये जियो ने शांत भाव से कहा, यह बात करने की जगह नहीं है, पहले चलो। इतना कहने के बाद ये जियो मुड़ी और चली गई। निंग युहिन ने अपने दांत पीस लिए और फिर भी उसका पीछा किया। पीछे गैरिसन टीम के सदस्य गली के प्रवेश द्वार से गुजरे लेकिन वे अंदर नहीं गए। वह गली पहले से ही ये जियो की आध्यात्मिक ऊर्जा से अवरुद्ध थी। ... वे दोनों ये जियो के घर लौट आए। निंग युहिन बहुत उदास दिखाई दे रही थी और उसमें अपराध बोध भी था। आई एम सॉरी सर,
मैंने आपसे झूठ बोला था। निंग युहिन के स्वर में सिसकने का निशान था। यह देखा जा सकता है कि वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। हर किसी के अपने छोटे छोटे रहस्य होते हैं। ये जियो की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी और कोई यह नहीं बता सकता था कि वह बिल्कुल भी गुस्से में था। निंग युहिन ने कुछ संदेह के साथ कहा, सर क्या ऐसा हो सकता है कि आप नाराज नहीं हैं? मैंने अपनी पहचान छुपाई है, कुछ ढूंढ के बाद, ये जियो ने कहा। क्या तुमने कभी मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा है? निंग युहिन दंग रह गया और जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं पर्यवेक्षक को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे करूं? आप मेरे साथ एक छोटे भाई की तरह व्यवहार करते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। चूंकि यह मामला है तो क्या यह सुलझ नहीं रहा है? पर्यवेक्षक ये, निंग युहिन की आंखें एक बार फिर लाल हो गईं। भगवान जानता है कि उस समय किसी की देखभाल करने और उसे स्वीकार करने के लिए उसे कितनी जरूरत थी, भले ही वह थोड़ा सा ही क्यों न हो। अन्यथा उसकी मनस्थिति वास्तव में राक्षसी मार्ग में पड़ सकती है और एक पागल सितारा जानवर बन सकता है जिसने दृष्टि में सब कुछ कत्ल कर दिया। तुम्हें क्या हो रहा है? निंग युहिन का दिल एक बार फिर से उठ गया। मैं महसूस कर सकता हूँ कि कोई बल मेरे पास आ रहा है, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह क्या दर्शाता है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि यह बहुत भयानक है, बहुत भयानक, एक बहुत शक्तिशाली बल। ये जियो ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। उसने अभी बोलना ही बंद किया था कि निंग युहिन फिर से कांपने लगा। यह आ रहा है। इतना कहने के बाद उनका शरीर कांपना बंद नहीं कर सका। उसी समय उसके शरीर पर कुछ चांदी सफेद लंबे फर दिखाई देने लगे। समय समय पर उसके पीछे एक 9 पूंछ वाला सिल्वर फॉक्स स्टार जानवर दिखाई देता था। पर्यवेक्षक ये, मुझे क्षमा करें, मैं आपको इस गड़बड़ी में शामिल नहीं कर सकता। निंग युहिन चिल्लाया और अब खुद को दबाया नहीं। वह 9 पूंछ वाले सिल्वर फॉक्स में बदल गया और जल्दी से ये जियो से भाग गया। हालांकि वह अभी अभी भागा था जब आकाश से एक विशाल बल उतरा और उसे कैद कर लिया। जब सेना ने निंग युहिन को कैद कर लिया तो वह तुरंत पूरी तरह से निराशा में पड़ गया। उस समय वह कमजोर और असहाय होने के कारण खुद से नफरत करता था। अगर वह जियांगई शहर में उन महान बड़े शॉट्स की तरह शक्तिशाली हो सकता है तो यह कितना अच्छा होगा। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वह केवल जीने का मौका चाहता था, सभी आम लोगों की तरह पर्यवेक्षक की तरह जीने का मौका। दुर्भाग्य से वास्तविकता क्रूर थी। वह जानता था कि उसके पास जीने के लिए लंबा समय नहीं है। वह प्रतिरोध छोड़ने के लिए तैयार था क्योंकि वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। कमजोरी मूल पाप था। अलविदा पर्यवेक्षक, अलविदा पुस्तकालय में सहयोगियों, अलविदा दुनिया। हालांकि उस समय निंग युहिन ने अपने कान के पास एक हल्की आह सुनी। उसके बाद एक हिंसक विस्फोट तुरंत पूरी हवा में फट गया। विस्फोट के बाद उसे रोकने वाली विशाल शक्ति तुरंत पतली हवा में गायब हो गई। यह है, निंग युहिन के शिष्य सिकुड़ गए। अगले ही पल ये जियो पहले ही आंगन से बाहर निकल चुकी थी। एस पर्यवेक्षक ये, उस समय भले ही उसके पास सुअर का दिमाग हो, वह स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगा सकता था। पहले सुपरवाइजर ने ही उसे बचाया था। हालांकि पर्यवेक्षक की ताकत हाउटियन द्वितीय श्रेणी थी, है ना? उसने अभी तक अपनी दिव्य आत्मा को सक्रिय भी नहीं किया था। जिस ताकत ने उसे अभी अभी कैद किया था वह निश्चित रूप से जियांटियन दायरे से ऊपर थी। पर्यवेक्षक, क्या उसने अपनी साधना को छुपाया था? इसके अलावा वह एक ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकता है। स्वर्ग, पर्यवेक्षक कितने साल का था? वह मुश्किल से 21 साल का भी था। बिसवाल दशा में एक ग्रैंड मास्टर मार्शल कलाकार, क्या वह मजाक था? यह 100% निश्चित था कि जियांगई शहर में युवा पीढ़ी में वह नंबर एक व्यक्ति थे। नहीं, यह अतिशयोक्ति थी। पूरे मध्य मैदान में, पूरे 9 प्रांतों और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में पर्यवेक्षक की प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। ये जियो ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह निंग युहिन को अपनी पहचान उजागर करने से नहीं डरता था। निंग युहिन को इस मामले को भूलने के लिए उसके पास अनगिनत तरीके थे। इसके अलावा भले ही उसने निंग युहिन को अपने चरित्र और उन दोनों के बीच दोस्ती के साथ भूलने नहीं दिया, ये जियो का मानना था कि वह अपनी पहचान को उजागर नहीं करेगा। उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। एक नंगे पांव, एक लंबी सुंदर पोशाक पहने हुए 6 चांदी सफेद पूंछ के साथ धीरे धीरे नीचे उतरी।
दूसरे पक्ष की लोमड़ी को देखकर निंग युहिन पूरी तरह से दंग रह गई। यह स्पष्ट था कि वे एक ही जाति के थे। चांदी की लोमड़ी, पर्यवेक्षक ये, वह भी सिल्वर फॉक्स कबीले की सदस्य है। हालांकि उसके पास केवल 6 पूंछ क्यों है? उसके पास उतनी पूंछ नहीं है जितनी मैं करती हूँ। निंग युहिन मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा हैरान महसूस कर रही थी। दूसरी ओर ये जियो ने उदासीनता से कहा, तुम और वह अलग हैं। आपको सिल्वर फॉक्स कबीले के शाही परिवार का सदस्य होना चाहिए। इसलिए अपनी रक्तरेखा को सक्रिय करने के बाद आप 9 पूंछों के साथ पैदा हुए थे। साधारण सिल्वर फॉक्स स्टार जानवरों के लिए, वे केवल अपनी खेती बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हैं ताकि वृद्धि हो सके। पूंछ की संख्या, उसके पास पहले से ही 6 पूंछ हैं। इसका मतलब है कि वह एक साधारण सिल्वर फॉक्स कबीले की सदस्य है, लेकिन उसकी खेती कम से कम महान ग्रैंड मास्टर रैंक पर है। ये जियो हर दिन किताबें पढ़ता था और बहुत सारा अजीब ज्ञान जो उसने जमा किया था वह लंबे समय से एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया था। निंग युहिन तुरंत मौके पर ही अवाक रह गई। एक महान ग्रैंड मास्टर, वह कैसा मजाक था। अगर ऐसा होता तो पर्यवेक्षक ने आसानी से दूसरे पक्ष की ताकत को अभी अभी बेअसर कर दिया। इसका मतलब है कि पर्यवेक्षक भी एक महान ग्रैंड मास्टर है, एक 20 वर्षीय महान ग्रैंड मास्टर। उसने सोचा था कि ये जियो केवल एक ग्रैंड मास्टर है। अंत में उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये जियो वास्तव में सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर नहीं था, बल्कि एक महान ग्रैंड मास्टर था। वह पर्यवेक्षक निश्चित रूप से दुनिया की युवा पीढ़ी में नंबर एक व्यक्ति था। पर्यवेक्षक, जो आमतौर पर अपना चेहरा नहीं दिखाता था, केवल किताबें पढ़ना जानता था और पूरी तरह से हानिरहित था, क्या वास्तव में ऐसा दुर्जय अस्तित्व था? अगले ही पल एक महान गुरु की आभा एक ज्वार की लहर की तरह थी जो सभी दिशाओं में फैल रही थी। उस समय निंग युहेन को जीवन पर संदेह होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पर्यवेक्षक मानव नहीं था? इंसान शायद इतना मजबूत नहीं हो सकता। आकाश में युवे धीरे धीरे नीचे उतरे। जैसे ही उसने ये जियो को सीधे देखा, उसकी निगाह कुछ सतर्कता दिखा रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक महान ग्रैंड मास्टर होगा। यह वास्तव में अप्रत्याशित है। ये जियो ने उसे उदासीनता से देखा। कोई अनावश्यक बकवास नहीं थी, न ही उसका उससे संवाद करने का कोई इरादा था। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जिसने भी उसे चलते हुए देखा था उसे मरना पड़ा। इसके अलावा दूसरी पार्टी निंग युहिन को पकड़ने के लिए यहाँ थी। उस आभा के दबाव को महसूस करते हुए युवेई ने जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसके हाव भाव गंभीर हो गए और उसकी 10 अंगुलियां पार हो गईं। उसने तुरंत अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके शरीर में साधना तकनीक को क्रियान्वित करने की शक्ति आ गई। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी साधना तकनीक को सक्रिय कर पाती, उसकी आंखों के सामने एक तलवार की किरण शीघ्र ही प्रकट हो गई। तलवार की किरण बड़ी और बड़ी होती गई। बूम, तलवार की किरण आकाश में फट गई, चमकदार आतिशबाजी की एक गेंद में बदल गई, जिसने सीधे युवेई को राख में बदल दिया। निंग युहेन का चेहरा मदद नहीं कर सका, लेकिन हिंसक रूप से कांप गया। पर्यवेक्षक की तलवार की किरण से एक महान ग्रैंड मास्टर की तुरंत मौत हो गई। पर्यवेक्षक उचित होने के लिए बहुत शक्तिशाली था, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने एक महान ग्रैंड मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया हो? हालांकि ये जियो की वजह से निंग युहिन को ज्यादा झटका नहीं लगा। अगले सेकंड में हवा के बीच में युवेई फिर से जीवित हो गई और अपनी मूल स्थिति में लौट आई। वह अब भी पहले जैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी एक लोमड़ी की पूंछ गायब थी। जीवन प्रतिस्थापन तकनीक। सिल्वर फॉक्स कबीले की जनजात दिव्य क्षमता सिल्वर फॉक्स ब्लडलाइन की उपचार खेती तकनीक की परिणति थी। साधना के माध्यम से वे अपने जीवन सार को अपनी पूंछ में संचित कर लेते थे। एक बार जब उन्हें एक ऐसे हमले का सामना करना पड़ा जिससे वे समय से बच नहीं सकते थे, तो उनकी पूंछ उनके मूल शरीर को बदल देगी और सभी हमलों को अवशोषित कर लेगी। हालांकि हर बार जब वे जीवन प्रतिस्थापन तकनीक का इस्तेमाल करते तो उनकी एक पूंछ खो जाती। अगर वे एक पूंछ का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो उन्हें 100 से अधिक वर्षों के प्रयास की आवश्यकता होगी। अगर उसकी सारी पूंछ खो जाती तो सिल्वर फॉक्स का जीवन भी पूरी तरह से गायब हो जाता। हफ हफ, युवेई ने बहुत जोर से सांस ली। उसका छोटा चेहरा पहले से ही मोम की तरह पीला पड़ गया था।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियांगई शहर में इतना शक्तिशाली अस्तित्व था। नहीं, मैं उससे सीधी बात नहीं कर सकता, नहीं तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। इससे पहले, हालांकि जैसे ही वह युद्ध विराम के लिए कहने वाली थी, इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, ये जियो ने एक और तलवार की किरण को काट दिया, जिससे वह एक बार फिर से खूनी धुंध में बदल गई। उसे मारने के बाद ये जियो ने अपने बगल में निंग युहेन से कहा, आपके सिल्वर फॉक्स कबीले की प्रतिस्थापन तकनीक के कारण हर बार जब आप इसे काटते हैं तो उपयोगकर्ता एक पूंछ खो देगा, इसलिए आपको उसे मारने से पहले उसे कुछ और बार मारना होगा। सच में मरो, निंग युहेन ने अपना सिर हिलाया जैसे कि उसे पहले से ही इसके बारे में पता नहीं था। उसके बाद यू वेई को फिर से जीवित किया गया। निंग युहेन ने तुरंत आकाश की ओर इशारा किया और कहा, पर्यवेक्षक ये देखो, वह फिर से जी उठी है, मैं जानता हूँ। इतना कहने के बाद ये जियो ने तलवार की एक और किरण काट दी। दीप्तिमान सुनहरी रोशनी ने एक बार फिर हमला किया। आप वे पहले से ही निराशा में थे, वह जानती थी कि वह इस तरह आगे नहीं बढ़ सकती। अगर यह जारी रहा, भले ही उसके पास 100 जीवन या 10,000 जीवन हो, यह उसके लिए ये जियो के हमलों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण क्षण में यू वेई ने तुरंत उसकी एक पूंछ जला दी। अगले सेकंड में ये जियो ने मौके पर ही उसके शरीर को एक बार फिर से अलग कर दिया। वहाँ कोई अन्य रास्ता नहीं था। ये जियो की गति वास्तव में बहुत तेज थी, इतनी तेज कि उसने उसे प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। वह स्थान जहाँ वह पुनरुत्थित हुई थी निश्चित थी, और ये जियो का प्रत्येक आक्रमण उसी क्षण हुआ जब वह पुनरुत्थित हुई। बहुत जल्द यू वेई एक बार फिर से जी उठे। जहाँ तक उसकी पूंछ का सवाल है, प्रज्वलन और जीवन संरक्षण के कारण उसने एक पंक्ति में 2 पूंछों का उपयोग किया था। अब केवल 2 पूंछ बची थी। दूसरे शब्दों में, अगर उसे ये जियो ने 2 बार और मार दिया तो वह पूरी तरह से मर जाएगी। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही वह पुनर्जीवित हुई, ये जियो का अगला हमला पहले ही आ चुका था। हालांकि तलवार के पास यू वेई के शरीर पर प्रहार करने का समय नहीं था। अचानक आकाश से बिजली का एक बोल्ट गिरा और सीधे तलवार की किरण पर फट गया। एक पल में उसने ये जियो की तलवार की किरण को फाड़ दिया। यू वेई ने राहत की सांस ली, जबकि निंग युहेन की अभिव्यक्ति घबरा गई। केवल ये जियो शांत रही। उसने केवल आकाश को उदासीनता से देखा और कोई चाल नहीं चली। थोड़ी देर बाद प्रकाश की एक चांदी की किरण धीरे धीरे यू वेई के पास उतरी। यह एक महिला सितारा जानवर था। वह स्वप्निल और असली थी। उसका सिर चांदी के बालों से भरा हुआ था और उसका स्वभाव एक महान स्वभाव का था, जिसे अपवित्र नहीं किया जाना था। जब यू वेई ने उसे देखा तो वह तुरंत झुक गई। आप वेई फॉक्स महारानी का अभिवादन करते हैं, निंग युहेन ये जियो के सामने फुसफुसाए। पर्यवेक्षक ये, यह सिल्वर फॉक्स कबीले की फॉक्स महारानी है। हाँ, ये जियो ने हल्के से स्वीकार किया। निंग युहेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन भौहें चढ़ा सकता था। पर्यवेक्षक बहुत शांत और निर्भीक है। वह सिल्वर फॉक्स कबीले की फॉक्स महारानी थी, लोमड़ी की बदबू नहीं। वह एक मार्शल आर्ट कौतुक था। हालांकि निंग युहेन को नहीं पता था कि वो कितनी मजबूत थी, लेकिन वो निश्चित रूप से सिर्फ एक महान ग्रैंड मास्टर नहीं थी। पर्यवेक्षक भी अभिमानी हो रहा था, बहुत अभिमानी। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये जियो का बिग डिपर का ग्रैंड मिस्ट्री इसके बारे में बहुत स्पष्ट था। दूसरा पक्ष केवल विभाजित आत्मा शरीर के रूप में आया था। यह वही तर्क था जो किंगल के आत्मा विभाजित शरीर के रूप में था, जिसने पहले निंग युहेन को नियंत्रित किया था। मुख्य निकाय जो ताकत प्रदर्शित कर सकता था, वह केवल शियांशन छठी कक्षा के महान ग्रैंड मास्टर की थी। हालांकि ये जियाओ की ताकत केवल जियांटियन पांचवी कक्षा में थी। उसने बिग डिपर के ग्रैंड मिस्ट्री को विकसित किया और उसकी ताकत जियांटियन पांचवी कक्षा से कहीं अधिक थी। इसके अलावा वह पहले से ही शियांशन छठी कक्षा मार्शल आर्ट का सही अर्थ समझ चुका था, इसलिए वह दूसरे पक्ष से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इसके अलावा ये जियो को यह भी पता था कि दूसरे पक्ष के मुख्य निकाय ने धरती पर आने की हिम्मत नहीं की। तारों वाले युद्ध के मैदान पर मार्शल आर्ट की उन विलक्षणताओं को भी कम नहीं किया जाना चाहिए था। फॉक्स महारानी ने यू वेई की ओर देखा और फिर उसकी निगाह ये जियो पर पड़ी। आपकी साधना तकनीकें अच्छी हैं। आप वेई मेरी दासियों में से एक हैं और सबसे मजबूत प्रतिभा के साथ पांचवी कक्षा के महान ग्रैंड मास्टर भी हैं।
फिर भी आपके हाथों में वह एक चाल भी नहीं ले सकती। हालांकि आप वे और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। आपका हमला इतना शातिर है, उसकी तीन पूंछों को लगातार तोड़ रहा है। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? ये जियो ने उदासीनता से कहा। मानव जाति के क्षेत्र में घुसपैठ करना मानव जाति को ठेस पहुंचाना है। वह मेरे छोटे भाई को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए मैं खड़े होकर नहीं देख सकता। यू वेई ने जल्दी से कहा। मैं उसे कब नुकसान पहुंचाना चाहता था? मैं बस उसे सिल्वर फॉक्स कबीले में वापस लाना चाहता हूं और उसकी रक्षा करना चाहता हूं। वह हमारे सिल्वर फॉक्स कबीले का शाही परिवार है और फॉक्स एम्प्रेस का जैविक पोता है। भले ही मेरे पास 1000 हिम्मत थी, मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। फॉक्स महारानी ने ये जियो पर एक नजर डाली। क्या आपने सुना सर? ओह, ये जियो ने उदासीनता से एक शब्द बोला जिससे यू वेई मौके पर ही फट पड़े। तुमने मुझे 4 पूंछ और 4 जीवन खो दिए और तुम मुझे सिर्फ ओह के साथ भेज रहे हो। बूम, जैसे ही यू वेई के शब्द गिरे, ये जियो ने अपनी तलवार से फिर से वार किया। तलवार की हड़ताल बहुत तेज थी, इतनी अधिक कि यू वेई, फॉक्स महारानी और यहां तक कि निंग युहेन ने भी इसकी भविष्यवाणी नहीं की थी। गार्ड से पकड़ा गया, यू वेई एक बार फिर मारा गया। जब उसे फिर से जीवित किया गया तो केवल उसकी आखिरी पूंछ बची थी। अब आपके पास अभी भी एक पूंछ है, ये जियो ने उदासीनता से बिना किसी भावना के उसके शब्द बोले जिससे यू वेई डर से कांपने लगे और एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी एक आखिरी जिंदगी अभी बाकी थी। अगर ये जियो द्वारा उसका फिर से सिर काट दिया गया तो वह पूरी तरह से मर चुकी होगी। फॉक्स एम्प्रेस ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित किया और सीधे उसके सामने मानव युवाओं को देखा। मनुष्यों के पास इतनी उत्कृष्ट एक तरह की तलवार तकनीक कब थी? ये जियो ने उससे सिल्वर फॉक्स कबीले की प्रतिष्ठित फॉक्स महारानी मदद करने में असमर्थ बना दिया, लेकिन आश्चर्य की लहर महसूस की। क्या ऐसा हो सकता है कि एक और मानव सम्राट जो तारों वाले आसमान को दबा सकता था और अरबों आकाशगंगाओं पर हावी हो सकता था प्रकट होने वाला था? बहुत देर के बाद वह फिर बोली, लेकिन उसका लहजा स्पष्ट रूप से बहुत कोमल था। मैं अपनी लापरवाही के लिए क्षमा चाहता हूँ। यूवी का दिल कांप गया। वह सिल्वर फॉक्स कबीले की प्रतिष्ठित फॉक्स महारानी थी। एक मार्शल आर्ट कौतुक ने वास्तव में अपना सिर झुका लिया और ये जियो जैसे किसी के सामने हार मान ली। निंग युहेन ने ये जियो को प्रशंसा से भरी आंखों से देखा। पर्यवेक्षक बस अद्भुत था, ये जियो ने बात नहीं की, लेकिन फॉक्स महारानी ने फिर से कहा। इस बार यू वेई केवल मेरे पोते को वापस लाने के लिए आई थी। उसका कोई और बुरा इरादा नहीं है। उसकी रक्तरेखा पहले ही किसी के द्वारा सक्रिय कर दी गई है। अब से यह केवल धीरे धीरे गहरा होगा जब तक कि वह पूरी तरह से स्टार बीस्ट नहीं बन जाता। यद्यपि आपकी साधना मजबूत है, यदि आप उसे रखने पर जोर देते हैं तो आप उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मनुष्यों के दिल सबसे संकीर्ण दिमाग वाले हैं और अन्य प्राणियों के सबसे असहिष्णु हैं। यदि आप मेरे सिल्वर फॉक्स कबीले की रक्त रेखा को मुक्त करने के इच्छुक हैं, तो मेरा कबीला आपको शाही उपचार साधना तकनीक के साथ धन्यवाद देना चाहता है। ब्लिडलाइन द मॉर्निंग स्टार मेथड। ये जियो की आंखें चमक उठी। ऐसा नहीं था कि उसे दूसरे पक्ष की साधना तकनीक में दिलचस्पी थी, बल्कि यह कि वे सही थे। निंग युहेन ने पहले ही एक स्टार बीस्ट के रूप में अपनी पहचान उजागर कर दी थी। अब से अन्यथा उसे या तो मार दिया जाएगा या प्रयोग के लिए पकड़ लिया जाएगा। इसके बजाय इंसानी दुनिया को छोड़ देना ही बेहतर होगा। हालांकि यह निंग युहेन का मामला था और यह निंग युहेन को तय करना होगा। मुझे आपके द्वारा बताई गई साधना तकनीक में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि निंग युहेन आपका अनुसरण करता है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर वह अनिच्छुक है तो आज कोई भी उसे दूर नहीं ले जा सकेगा। निंग युहेन का दिल कांप गया और उसकी आंखें कुछ रोक नहीं सकी, लेकिन थोड़ा पानी सा महसूस हो रहा था। ये जियो के पास वास्तव में उससे कहने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि ये जियो उसे ढूंढ रही थी तो वह सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकता था? वह ये जियो की सुरक्षा को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? एक बार जब वह मिल गया तो वह निश्चित रूप से ये जियो के लिए परेशानी लाएगा। इसके अलावा उसकी दादी फॉक्स महारानी थी, इसलिए उसे उसे मारने के लिए इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था, है ना?
इसलिए एक गहरी सांस लेने के बाद उन्होंने गंभीर भाव से फॉक्स महारानी की ओर देखा और सहमत हो गए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, हालांकि आपको उस शाही उपचार तकनीक को सुपरवाइजर ये को देना होगा। फॉक्स महारानी थोड़ा मुस्कुराई और उसकी ओर नहीं देखा। इसके बजाय उसने ये जियो को देखा। वो किसी से भी बेहतर जानती थी कि फैसला ये जियो के हाथ में है। ये जियो ने निंग युहेन की ओर देखा। कुछ भी कहने से पहले सोचें, अपने आप को मजबूर न करें। निंग युहेन ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सोचा है। मैं अब मानव दुनिया में नहीं रह सकता। मैं केवल सिल्वर फॉक्स कबीले में जा सकता हूँ। हालांकि पर्यवेक्षक ये चिंता न करें। हालांकि रक्त रेखा के सक्रियण के साथ मैं हो सकता है पूरी तरह से एक स्टार बीस्ट में बदल जाऊंगा। मैं इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये जियो ने उदासीन भाव से कहा। यह इतना गंभीर नहीं है। अगर कोई आपको काटता है तो आप वहां खड़े नहीं हो सकते और उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकते। बस निर्दोष को मत मारो। निंग युहेन का दिल कांप गया और वह गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सहमत हो गया। चिंता मत करो पर्यवेक्षक ये, फिर जाए। इतना कहने के बाद ये जियो मुड़ी और आंगन में चली गई। मैं नहीं चाहता कि मेरा शांत जीवन अस्त व्यस्त हो। अगर मेरी पहचान जानी जाती है तो मैं इससे सिल्वर फॉक्स कबीले पर दोष दूंगा। निंग युहेन ने ये जियो को गहराई से झुकाया। पर्यवेक्षक ये, इतने लंबे समय तक मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। चिंता न करें, सिल्वर फॉक्स कबीला निश्चित रूप से आपके किसी भी रहस्य को उजागर नहीं करेगा। फॉक्स महारानी मंद मंद मुस्कुराए। निंग युहेन ने सिर हिलाया। उसके बाद फॉक्स महारानी ने यू वेई की ओर देखा। यू वेई तुरंत निंग युहेन को ले आए और हवा में चले गए। जहां तक ये जियो का सवाल है, वह अपने कमरे में लौट आया और सिल्वर फॉक्स कबीले की शाही उपचार साधना तकनीक मॉर्निंग स्टार मेथड का अध्ययन करने चला गया। ये जियो ने इंपीरियल तकनीक शब्द के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वह हर दिन पुस्तकालय में किताबें पढ़ रहा था, इसलिए वह यह भी समझता था कि ग्रैंड मास्टर स्तर से ऊपर की अन्य उच्च स्तरीय साधना तकनीकें भी थीं। प्रबल कृपाण खेती तकनीक, जिसे उन्होंने पहले संश्लेषित किया था, निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर स्तर से ऊपर की एक साधना तकनीक थी। अब की नजर से वह तकनीक एक शाही तकनीक हो सकती है। शाही तकनीक, ये जियो ने बुदबुदाया और अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। क्या ऐसा हो सकता है कि 1000 युग के वे प्राचीन सम्राट या जो कुछ भी अभ्यास करते थे वह तथाकथित शाही तकनीक थी। वह महसूस कर सकता था कि कृपाण और अन्य साधना तकनीकों पर काबू पाने के बाद के झटके हासिल होने से बहुत दूर थे। उन साधना तकनीकों को विकसित करने से निश्चित रूप से व्यक्ति को दैवीय ग्रैंड मास्टर रैंक की सीमाओं को तोड़ने और उच्च स्तर तक पहुंचने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि वह नहीं जानता था कि उच्च स्तर को क्या कहा जाता है। उन्होंने जल्दी से मॉर्निंग स्टार मेथड पढ़ना समाप्त कर दिया और गोल्डन बुक ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। एक रात के बाद गोल्डन बुक को इसकी खेती करना समाप्त कर देना चाहिए था। समय बीतता गया और एक रात तेजी से बीतती गई। अगले दिन जब ये जियो अपनी नींद से उठा तो कंबल पहले से ही उसकी दृष्टि से ऊपर था, जो उसे बिस्तर के अंत को देखने से रोक रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने मॉर्निंग स्टार मेथड की खेती की थी। जब से उन्होंने अविनाशी हीरा दिव्य कला सीखी थी, तब से वे हर सुबह उठते ही ऐसा नजारा देखने के आदि हो गए थे। उनकी चेतना दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक में डूबी हुई थी और वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा हैरान महसूस कर रहे थे। मॉर्निंग स्टार मेथड वास्तव में खेती की गई थी, लेकिन मॉर्निंग स्टार मेथड और मेंडिंग द हेवन तकनीक के साथ अंकित की गई खेती की तकनीक ने एक फीकी सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब था कि वे अभी भी एक या दो साधना तकनीकें थीं जिन्हें फिर से संश्लेषित करने में सक्षम होने की कमी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि और भी अधिक शक्तिशाली साधना तकनीकें थीं जिन्हें शाही तकनीक से ऊपर जोड़ा जा सकता था? इसने ये जियो को बहुत खुश किया। यदि शाही तकनीक को और अधिक संश्लेषित किया जा सकता है तो निश्चित रूप से उसके भविष्य के सुधारों को कम करके नहीं आंका जाएगा। इसके अलावा यह भी परोक्ष रूप से साबित हुआ कि स्वर्ग में सुधार, कृपाण पर काबू पाने, सितारों का बैंगनी सागर, स्वर्ग क्लियन तलवार, अविनाशी डायमंड डिवाइन आर्ट, डिवाइन इंटेंट और बिग डिपर्स ग्रैंड मिस्ट्री सभी शाही स्तर की साधना तकनीकें थीं। भविष्य में उन अन्य प्रकार की साधना तकनीकों को संभवतः फिर से जोड़ा जा सकता है।
हालांकि थोड़ी परेशानी हुई। साधारण साधना तकनीकों को खोजना आसान था, लेकिन शाही तकनीकें नहीं थी। कोई शाही तकनीक कहां से प्राप्त कर सकता है? यह शायद पुस्तकालय में भी मौजूद नहीं था। इसके अलावा बुनियादी साधना तकनीकों को केवल एक शाही तकनीक में जोड़ा जा सकता था। भविष्य में चाहे कोई भी कितनी भी साधारण साधना तकनीकें पढ़ ले, उन्हें स्वर्ण पुस्तक में नहीं रखा जाएगा और उन्हें दूसरी शाही तकनीक में जोड़ा जाएगा। हालांकि बहुत जल्द ये जियो ने अपना सिर हिलाया और उस मामले के बारे में अब और नहीं सोचा। कौन परवाह करता है, जब गाड़ी पहाड़ पर पहुंचती है तो हमेशा एक रास्ता होगा। जब पानी पुल पर पहुंचेगा तो वह स्वाभाविक रूप से सीधा हो जाएगा। क्या किसी जीवित व्यक्ति को अज्ञात द्वारा मौत के घाट उतारा जा सकता है? शांतचित मार्ग किया जाएगा। ये जियो सबसे पहले मॉर्निंग स्टार मेथड को आजमाने आए। हालांकि मॉर्निंग स्टार मेथड और द मेंडिंग द हेवन तकनीक दोनों शाही उपचार साधना तकनीकें थी, फिर भी दोनों के बीच अंतर था। अन्य साधना तकनीकों की बुनियादी तकनीकों की तरह कई प्रकार के थे। द मॉर्निंग स्टार मेथड और द मेंडिंग द हेवन तकनीक लगभग दो अलग अलग तरीकों के बराबर थे, जो उपचार की खेती की तकनीकों की शाही तकनीकों को प्रदर्शित करते थे। मेंडिंग द हेवन्स तकनीक घाव को जल्दी से ठीक करने के लिए थी। यहां तक कि अगर इसे ड्रैग्स में काट दिया गया था तो भी यह पूरी तरह से ठीक हो सकेगा। मॉर्निंग स्टार मेथड के लिए यह पुनः उत्पन्न करने की क्षमता थी। इस घटना में कि ये जियो ने अपना हाथ काट दिया था। मेंडिंग द हेवन्स तकनीक की अभिव्यक्ति इसे शरीर में बहाल करना था। मॉर्निंग स्टार मेथड के उपचार की अभिव्यक्ति के लिए यह सीधे एक नई भुजा को पुनः उत्पन्न करना था, जिसके बारे में बोलते हुए किंग एल की उपचार साधना तकनीक भी बहुत मजबूत लग रही थी। वह नहीं जानता था कि उसकी उपचार तकनीक शाही साधना तकनीक है या नहीं, और न ही उसे पता था कि उसकी उपचार तकनीक पूरी तरह से अलग शाही तकनीक थी या नहीं। यदि ऐसा होता तो वह अपने स्टार कोर को खोदने और उससे अपनी उपचार साधना तकनीक को परिष्कृत करने पर विचार कर सकता था। किसी भी मामले में वह एक अच्छा इंसान नहीं था। हालांकि कोई बात नहीं, उसने पहले ही एक व्यक्ति की जान बचा ली थी और उसने आगे के संश्लेषण के मामले के बारे में भी सीखा। अंततः यह एक अच्छा दिन था। सुबह में ये जियो ने अपना नाश्ता समाप्त किया और हुआन लियोली को काम करने के लिए पुस्तकालय में ले आया। लाइब्रेरी में कई लोग सिल्वर फॉक्स स्टार बीस्ट के मामले पर चर्चा कर रहे थे। इसके कारण कई लोग ये जियो के पक्ष को थोड़े अलग नजरिए से देखने लगे। बहुत से लोग इसे फैला रहे थे और वे सभी जानते थे कि सिल्वर फॉक्स स्टार जानवर निंग युहिन था। सुबह में गैरिसन टीम जांच के लिए आई और ये जियो को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। सौभाग्य से गुहाई ने उसका विशेष ध्यान रखा था, इसलिए उन्होंने उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की। कुछ देर बातचीत के बाद वे अपने अपने घर चले गए। गुहाई नहीं आया। गहन शिविर के विशेष प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए वह पहले ही जा चुका था। उसके बाहर आने के बाद शायद उसकी खेती में काफी वृद्धि होगी। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। ये जियो पढ़ने के लिए पुस्तकालय की ऊपरी मंजिल पर जाता रहा। वह जल्दी आता था और रोज देर से जाता था। वह काम के लिए समय पर घड़ी करता था। आखिरकार ये जियो आमतौर पर निंग युहिन के काफी करीब थी। अगले कुछ दिनों में उन्होंने एक और शस्त्र शोधन तकनीक की खोज की। उनके पास पहले से ही 9 बुनियादी शस्त्र शोधन तकनीकें थीं। उनकी गोल्डन बुक में जिस पृष्ठ ने आयुध शोधन तकनीकों को दर्ज किया था, वह अंततः एक धुंधली सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करने लगा। इसका मतलब यह था कि जब तक उसे एक और बुनियादी शस्त्र शोधन तकनीक मिल जाती, तब तक वह एक साम्राज्य स्तर की शस्त्र शोधन खेती तकनीक को संश्लेषित करने में सक्षम होगा। उस अवधि के दौरान ये जियो हर रात घर जाता और पिग आयरन जैसी कुछ सामग्री खरीदता। उस रात को रिफाइन करने के बाद वह अगले दिन उसे वापस दुकान पर ले जाता था। उन्होंने जिन हथियारों को परिष्कृत किया, वे मूल रूप से सबसे असाधारण श्रेणी के हथियार थे, इसलिए उन्हें हलचल पैदा करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उस दुनिया में शाही तकनीकें अस्तित्व में थी जिन्हें आम लोग छू नहीं सकते थे। इस प्रकार ग्रैंडमास्टर स्तर उच्चतम श्रेणी की खेती तकनीक, उच्चतम श्रेणी के उपकरण और उच्चतम श्रेणी की औषधीय गोलियां थी जिनका बहुत से लोगों ने सपना देखा था। उदाहरण के तौर पर हथियारों को ले, ट्रांसेंडेंट और ग्रैंडमास्टर स्तर के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था।
ग्रैंडमास्टर ग्रेड हथियारों की कीमत कम से कम 1 मिलियन थी। ट्रांसेंडेंट ग्रेड हथियारों के लिए उनमें से ज्यादातर लगभग 10,000 से 20,000 थे। उनके बीच का अंतर अक्सर दसियों से लेकर सैकड़ों गुना तक होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि साधारण कारीगरों द्वारा साधारण और उत्कृष्ट श्रेणी के हथियारों को गढ़ा जा सकता था। ग्रैंडमास्टर संप्रदाय द्वारा केवल ग्रैंडमास्टर ग्रेड हथियार ही बनाए जा सकते थे। ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे, चाहे वह उत्कृष्ट हो या साधारण, कीमत बहुत अधिक नहीं होगी। हालांकि शुरुआत में ग्रैंडमास्टर ग्रेड हथियार बहुत दुर्लभ थे। इसके अलावा उनमें से ज्यादातर स्टार बीस्ट का शिकार करना पसंद करेंगे, इसलिए जमीन पर उनमें से और भी कम थे। हालांकि फिर भी ये जियो अपने हाथों को पलटने और थोड़ी सी रकम कमाने के लिए हर रात थोड़ा परिष्कृत करने पर निर्भर था। यह लगभग 30,000 से 40,000 युआन था। ये जियो के पिछले वेतन और बचत को शामिल करते हुए यह अब 100,000 युआन से अधिक था। हालांकि पैसे जैसी चीजों का वर्तमान ये जियो के लिए ज्यादा मतलब नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि वह और अधिक स्वादिष्ट भोजन खरीद सकता था। ऐसा शांतिपूर्ण जीवन लगभग 1 महीने तक चला। एक सुबह तक चौंकाने वाली खबर, मेरे दोस्तों। उस सुबह ये जियो पढ़ने के लिए ऊपरी मंजिल पर ही पहुंची थी कि उसने किसी को आश्चर्य से चिल्लाते हुए सुना। सामान्यतया पुस्तकालय को एक शांत वातावरण की आवश्यकता होती है और बहुत कम लोग शोर करते थे। हालांकि उस व्यक्ति की बातों ने वहां सभी की उत्सुकता को सफलतापूर्वक आकर्षित किया, इसलिए कोई शिकायत नहीं कर रहा था। खान राज्य की प्रतिभा पियाओ जियान सिंह हार गई है। हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, यहाँ तक कि पियाओ जियान सिंह भी हार गया है। यह कैसे संभव है? मैंने उसकी तलवारबाजी देखी है। इतनी मजबूत तलवार कला उपलब्धियों के साथ क्या वह अभी भी पराजित हो सकता है? क्या इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी? इससे पहले कि वह जिन प्रांत के माध्यम से स्वीप करने में सक्षम था, क्योंकि हाल के वर्षों में जिन प्रांत की मार्शल आर्ट विरासत कुछ हद तक टूट गई थी, कुछ मार्शल आर्ट विशेषज्ञ इसके खिलाफ लड़ते हुए गिर गए थे। स्टार जानवर वास्तव में 9 प्रांतों में कई सक्षम लोग हैं। अभी भी कई वैरागी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कुछ प्रतिभाओं को सिखाया है। यह सिर्फ इतना है कि उन्होंने अभी तक पहाड़ नहीं छोड़ा है। हाँ, मैंने सुना है कि 9 प्रांतों में कुल 17 शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग के शीर्ष रैंक में प्रवेश किया है। उनमें से 2 को लगता है कि उन्हें लेने की खबर मिली है। चेले 20 साल पहले, क्या आप तलवारबाज लू किंगशान के बारे में बात कर रहे हैं? और कृपान विलक्षण ली लियुशुई, यह सही है। वे दोनों दिव्य संप्रदाय के मार्शल कलाकार हैं और 9 प्रांतों में प्रसिद्ध हैं। वे शिष्य होने चाहिए जो उन दोनों ने सिखाया और पियाओ जियान सिंह को हराया है ना? हालांकि पहले बोलने वाले ने सिर हिलाया। यह वह नहीं है। यह यंग राज्य सासा की तारो से जिया हे लियू के निंजा ब्लेड का उत्तराधिकारी है। यह वास्तव में जिया हे लियू के निंजा ब्लेड का उत्तराधिकारी है। मैंने सुना है कि यह व्यक्ति भी पियाओ जियान सिंह का अनुसरण करना चाहता है और झोंग प्रांत के कृपान कला विशेषज्ञों के कौशल को चुनौती देना चाहता है। हाँ, उसका मालिक यंग राज्य बेजुमी मुराकामी से जिया हे लियू निंजा ब्लेड का मालिक है। हर कोई जानता था कि बेजुमी मुराकामी यंग राज्य के शीर्ष मार्शल कलाकार थे और ड्रैगन सूची में 50वें स्थान पर थे। वह पियाओ जियान सिंह के गुरु लियू चेंगक सुन से 3 स्थान नीचे था। उसने पियाओ जियान सिंह को हराने का कारण हान राज्य को अपमानित करना था। शुरुआती बिंदु के रूप में पियाओ जियान सिंह के साथ उन्होंने झोंग प्रांत में मार्शल कलाकारों की युवा पीढ़ी को चुनौती देना शुरू कर दिया। पहला पड़ाव था हमारे जियांगई शहर का किन्युयान डी ए मेन। वह पहला है जिसे वह हमारे जियांगई शहर में निशाना बनाना चाहता है। मुझे डर है कि वह इस बार परेशानी में होगी। जिया हे लियू की निंजा ब्लेड एक अद्वितीय खेती तकनीक थी जो कृपान तकनीकों और यंग स्टेट निंजुत्सु को जोड़ती थी। यह अपनी चतुराई, विचित्रता, शातिरता और निर्ममता के लिए प्रसिद्ध था। से बचाव करना असंभव था। इंटरनेट पर एक चुटकुला था जिसमें बताया गया था कि जिया ही लियू का निंजा ब्लेड कितना भयानक था। एक बार भूत कृपान अदृश्य हो गया। पिछली बार किन युयान पियाओ जियान सिंह से हार गया था और अब पियाओ जियान सिंह सासा की तारों से हार गया है। किन युयान निश्चित रूप से फिर से हार जाएगा। मैंने सुना है कि आज द्वंद्व का दिन है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि कोई लाइव प्रसारण नहीं है।
हम अभी भी पुस्तकालय में हैं। अगर हम दौड़ते हैं तो शायद बहुत देर हो जाएगी। हम केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसे इंटरनेट पर डालता है। सभी ने लगातार आह भरी। ये जियो जो बगल में पढ़ रही थी को कोई आपत्ति नहीं थी। वह हर दिन किताबें पढ़ता था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से सतही स्तर पर ऐसी चीजों की कुछ समझ थी। जिया हे लियू का निंजा ब्लेड, जिसे आमतौर पर घोस्ट सेबर के रूप में जाना जाता है, कृपाण तकनीकों की दो मूल बातें, तेज कृपाण और भ्रमपूर्ण कृपाण का एक संयोजन था, जो दोनों पूर्णता के लिए विकसित हुए थे। यही कारण है कि जब इसका उपयोग किया जाता था तो इससे निपटना मुश्किल होता था, जब वास्तव में यह गति और चाल का संयोजन था। हालांकि इसका एक डरावना नाम था, जब असली कृपाण तकनीक का सामना करना पड़ा तब भी यह काफी अच्छा नहीं था। किन युयान ने जिस कृपाण इरादे को समझा था उसमें प्रबल कृपाण इरादा था। इसने सात सबसे बुनियादी कृपाण तकनीकों को संघनित किया था। यह कहा जा सकता है कि उसने कृपाण तकनीक का सार एकत्र किया और उच्चतम अवस्था में विकसित हुआ। इसलिए उस दृष्टिकोण से जिया हे लियू का निंजा ब्लेड निश्चित रूप से प्रबल कृपाण को हराने में सक्षम नहीं होगा। किन युयान के पहले पियाओ जियान शेंग से हारने का मुख्य कारण यह था कि किन युयान ने केवल एक या एक महीने के लिए खेती की थी। इतने कृपाण इरादे को आत्मसात करना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। उस समय सासाकी तारो उतनी भाग्यशाली नहीं होगी, इसलिए ये जियो ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपनी शस्त्र शोधन तकनीक को देखना जारी रखा। दूसरी तरफ जियानवी मार्शल आर्ट अकादमी में तमाशा शुरू हो गया था। घटनास्थल पर माहौल बहुत ही गंभीर था। डू चान फैन, किन शेंगलोंग, डू तियान यू और यंग योंजोक शहर के सभी महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। डू चान फैन ने सासाकी तारो को देखा जो बहुत ही गंभीर भाव के साथ मंच पर गर्व से खड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पियाओ जियान शेंग के जाने से पहले एक और मार्शल आर्ट प्रतिभा आएगी। जियानवी शहर, यह छोटी सी जगह वास्तव में प्रसिद्ध होने जा रही है। किन शेंगलोंग ने हल्की आह भरी। कौन जानता है, यह अफसोस की बात है कि वे सच्चे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ दुनिया से छिपे हुए हैं। अगर यह नौ प्रांतों के तलवार के कौतुक या कृपाण गुरु होते तो वे अपने शिष्यों को लड़ने के लिए भेज सकते थे। वे इतने क्षुद्र व्यक्ति को यहाँ कभी भी बड़े पैमाने पर नहीं चलने देंगे। ओयांग युनजोन मुस्कुराए और कहा, अन्यथा उन्हें रहस्यमय मार्शल आर्ट विशेषज्ञ क्यों कहा जाएगा। ऐसे विशेषज्ञों ने हमेशा मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित किया है और कभी भी सांसारिक मामलों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा है। डू तियानयू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कह सकता था, यह बहुत अच्छा होगा यदि हमारे जियानवी शहर के मार्शल आर्ट विशेषज्ञ एक या दो शिष्यों को पढ़ा सके। वे निश्चित रूप से शक्तिशाली शिष्यों का पोषण करने में सक्षम होंगे। हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चुप हो गया था। उन्हें अभी भी जियानवी शहर के मायावी मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के बारे में कोई सुराग नहीं था। यह बहुत अच्छा होगा यदि वे उन्हें ढूंढ सकें। संपूर्ण की ताकत जियानवी शहर एक भयानक स्तर तक बढ़ जाएगा। दुर्भाग्य से वे उन्हें नहीं ढूंढ सके। यहाँ तक कि खुद मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होने के नाते वे वास्तव में नहीं जानते थे कि वे दोनों कहाँ छिपे थे। बहुत पहले किन युयान ने अखाड़े में प्रवेश किया और जियानवी शहर मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र उसके लिए जयकार करने लगे। सभी ने अपना ध्यान अखाड़े पर भी लगाया। युयान की गति को देखते हुए उसकी खेती में थोड़ा सुधार होना चाहिए था। डू चान फेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन प्रशंसा का एक रूप प्रकट कर सकता था, जबकि किन शेंगलोंग शालीनता से मुस्कुराया। वह पहले ही हॉटियन आठवीं कक्षा तक पहुंच चुकी है और हॉटियन नौवीं कक्षा से केवल एक कदम दूर है। इतनी जल्दी, ऐसा लग रहा था कि कृपाण के इरादे ने उसे थोड़ा बेहतर बनाने में मदद की थी। यह अच्छा है, इस महिला के पास भविष्य में जियानटियन क्षेत्र की मार्शल आर्टिस्ट बनने की एक उच्च संभावना है। इसके अलावा उसकी वर्तमान उम्र को देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए जियानटियन प्रथम श्रेणी को पार करना एक समस्या है। उस मूल्यांकन को सुनकर आसपास के कई छात्र मदद नहीं कर सके, लेकिन प्रशंसा में चिल्लाए। एक जियानटियन क्षेत्र मार्शल कलाकार। पियाओ जियान शेंग भी भीड़ में थे। उसके बगल में बैठा छात्र मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने पूछा, पियाओ जियान शेंग, क्या आपको लगता है कि किन युयान जीत सकता है। पियाओ जियान शेंग ने अपना सिर हिलाया और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह बहुत मुश्किल है।
हालांकि उसकी कृपाण तकनीक अद्भुत है, उसने केवल थोड़े समय के लिए ही इसकी खेती की है। सासाकी तारों के लिए वह अपनी कृपाण तकनीक की खेती कर रहा है। पूरे 23 साल सबका दिल एक बार फिर डूब गया। पियाओ जियानशेंग ने किन युयान को हराया था और उसने अभी अभी सासाकी तारों से लड़ाई की थी, इसलिए उसे किसी और की तुलना में बोलने का अधिक अधिकार था। डू चांगफेंग और अन्य ने कुछ नहीं कहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने इसे किसी और की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से देखा था। वे बहुत पहले से जानते थे कि किन युयान के लिए सासाकी तारों को हराना असंभव है। वे कुछ नहीं कर सकते थे। किन युयान ने अपनी कृपाण तकनीक का अभ्यास करने में जो समय बिताया वह बहुत कम था। कृपाण कला विशेषज्ञ की कृपाण तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों न हो, किन युयान के लिए इतने कम समय में इतना स्वर्ग विरोधी स्तर उठाना असंभव था। अंत में यह वास्तव में मायने नहीं रखता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किन युयान हार जाएगी। 9 प्रांतों में और भी मजबूत प्रतिभाएं थी जो निश्चित रूप से सासाकी तारों को हरा सकती थी और 9 प्रांतों को सही ठहरा सकती थी। मैदान पर सासाकी तारो अपनी आंखें कसकर बंद करके मौके पर गर्व से खड़े हो गए। जब उसे किन युयान के आने का आभास हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। हालांकि वे केवल आधे खुले थे और पूरी तरह से खुले नहीं थे। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और किन युयान को अपनी आंखों के कोने से हल्के फुल्के बदलाव के साथ देखा। उसने किन युयान को अपनी नजर में विरोधी भी नहीं माना। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि किन युयान पहले कोई नहीं था, बस इस तथ्य पर आधारित था कि उसे पियाओ जियानशेंग ने हराया था। यदि वह एक पराजित प्रतिद्वंद्वी से हार गई तो उसके पास उसके लिए क्या मूल्य था। अगर यह रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होता तो वह किन युयान की तरफ देखता भी नहीं। उल्लेख नहीं है वह किन युयान के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। यह देखते हुए कि आप एक महिला हैं, आपको पहले अपना कदम उठाना चाहिए, सासाकी तारो ने शांति से कहा। उसका स्वर अवमानना से भरा था, जैसे कि उसने किन युयान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि किन युयान ने पहले ही उसके अहंकार को देख लिया था, लेकिन उसने इस वजह से कदम उठाने की पहल नहीं की। उसकी दृढ़ निगाह न तो खुश थी और न ही उदास। उसने शांति से कहा, यह मेरा घरेलू मैदान है, आप मेरे मेहमान हैं, स्वाभाविक रूप से आप पहली चाल चलेंगे। सासाकी तारो ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। तुम आग से खेल रहे हो, किन युयान ने और कुछ नहीं कहा था। उसने केवल कृपाण की मूठ को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। यह देखकर सासाकी तारो की आंखें गुस्से से भर गईं। उसे एक महिला ने नीचा देखा था। इसके अलावा वह एक प्रतिद्वंद्वी से हार गई थी जो उससे हार गई थी। उसके बीच और कूड़े के एक टुकड़े द्वारा नीचे देखे जाने में क्या अंतर था। आर्ग, उसने अपने हाथ में लंबा कृपाण निकाला और ठंडे स्वर में कहा, तलवारों और कृपाणों की कोई आंख नहीं है। अगर मैं गलती से तुम्हें अपंत कर दूं तो मुझे दोष मत दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने पैरों को हल्के से थपथपाया और उसका शरीर तुरंत वहां से चला गया। उसे पियाओ जियानशेंग के समान नियमों का पालन करना था। उनकी मार्शल खेती को हॉटियन 5वीं कक्षा तक दबा दिया गया था। हालांकि उसकी गति पियाओ जियानशेंग से एक स्तर तेज थी। यही जिया हे लियू के निंजुत्सु का मूल मंत्र था। कृपाण तकनीक पहले ही आम कृपाण तकनीकों के दायरे को पार कर चुकी थी। इसकी सुपर फास्ट स्पीड और अजीब हरकतें एक दुर्भावनापूर्ण भूत की तरह थीं, जिससे लोग सिहर उठते थे। क्या तेज कृपाण है, किन युयान जरा भी हिले डुले नहीं, जमीन पर जड़ पकड़ कर खड़ी हो गई। जब इस कदम का खुलासा हुआ तो सभी के दिल दहल गए और उनकी आंखें चिंता से भर गईं। सासाकी तारों की गति अनुकरणीय थी और वह पलक झपकते ही उसके सामने आ चुका था। 10 फुट, 5 फुट, 3 फुट, 1 फुट। जैसे ही सासाकी तारों उसके सामने पहुंची, किन युयान ने अचानक अपनी चाल चली। बिजली की तरह एक कृपाण निकाली गई। जब उन्होंने उस कृपाण को देखा तो वहां मौजूद सभी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके दिल कांप गए। अविश्वसनीय भाव प्रकट करते हुए उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। सासाकी तारों को सबसे ज्यादा झटका लगा। उस समय वह किन युयान के सबसे करीब था, इसलिए वो महसूस कर सकता था कि किन युयान का कृपाण इरादा कितना मजबूत था। इस हरकत से उनका दिल लगभग घुट गया। यह साधना का दमन नहीं था, बल्कि सच्चे इरादे का दमन था। केवल उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह लापरवाह था।
उसने उस लड़की को पूरी तरह से कम करके आंका था। बूम, उसे सोचने के लिए ज्यादा समय दिए बिना अगले सेकंड में दोनों कृपाण आपस में टकरा गए। ब्लेड के बीच तीव्र टक्कर के कारण चमकदार चिंगारी तुरंत प्रज्वलित हो गई। जहां तक सासा की तारों की बात है, उसने महसूस किया कि किन युयान ने उसके कृपाण के इरादे को तुरंत कुचल दिया। बेजोड़ तरीके से उसे कुचल दिया गया। दूसरे पक्ष के कृपाण ने उसकी त्वचा को भी ऐसा महसूस कराया जैसे वह फटी जा रही हो। अगले सेकंड में उन्हें उड़ते हुए भेज दिया गया। टकराना, अंत में जमीन पर गिरने से पहले सासा की तारों को दर्जनों फीट उड़ते हुए भेजा गया था। पूरा मार्शल आर्ट हॉल एक पल में मौत के मुंह में समा गया। अविश्वास से अपने सामने के दृश्य को देखते ही सभी की आंखें फैल गईं। किन युयान, जिनके बारे में लगभग किसी ने भी अच्छा नहीं सोचा था, ने वास्तव में सासा की तारों को एक स्लैश के साथ उड़ान भरने के लिए भेजा था। वह कैसा मजाक था। स्टैंड में डू चांग फेंग और अन्य भी अवाक रह गए। वह जीत गई। वह इतनी आसानी से जीत गई। यहाँ तक कि पियाओ जियान शेंग भी हार गया था, फिर भी किन युयान ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही स्लैश से हराया। क्या वे सपना देख रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि उस कृपाण कला विशेषज्ञ की कृपाण मंशा ने पहले ही स्वर्ग को इस हद तक ललकारा हो? आखिरकार वे सभी किन युयान की प्रतिभा के बारे में जानते थे। अपनी प्रतिभा के साथ कृपाण को इतनी गहराई से समझना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। यह केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह सब उस कृपाण इरादे के कारण था जिसने उसकी प्रतिभा की कमी को पूरा किया। पागल, एक पूर्ण पागल। वह मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में इंसान नहीं था, वह एक देवता था, कृपाण का एक सच्चा भगवान। ताली, ताली, ताली। पियाओ जियान शिंग ने सबसे पहले ताली बजाए। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। बेशक वह किन युयान की जीत से उत्साहित नहीं था, बल्कि नौ प्रांतों की मार्शल आर्ट की जीत के कारण उत्साहित था। क्या यह उन नौ प्रांतों की शक्ति थी जिसके बारे में उसके स्वामी ने कहा था? अंगिनत देदीप्यमान मार्शल आर्ट सभ्यताओं वाला देश। इतने लंबे समय तक नौ प्रांतों में रहने के बावजूद वह पहले भी एक बार चौंक चुका था। उस समय वह केवल रहस्यमय कृपाण कला विशेषज्ञ से हैरान था। अगर यह किसी दूसरे देश का मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होता तो वह भी चौंक जाता। उस समय उन्होंने वास्तव में नौ प्रांतों की मार्शल आर्ट संस्कृति के आकर्षण को महसूस किया। कुछ ही महीनों में किन युयान एक नौसिखिया से इतनी शक्तिशाली इकाई में बदल गया था। कृपाण का जो इरादा उसे प्राप्त हुआ था, उसका अस्तित्व किस प्रकार का था? उसके पीछे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ की किस तरह की कलात्मक अवधारणा थी? उस समय पियाओ जियान शिंग ने महसूस किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हान राज्य में वापस आया या नहीं। दुनिया की मार्शल आर्ट नौ प्रांतों के भीतर थी, है ना? उन्होंने नहीं छोड़ने का फैसला किया। उनके पास स्वयं नौ प्रांतों की रक्त रेखा का 7/8 हिस्सा था, इसलिए उन्हें नौ प्रांतों का व्यक्ति माना जा सकता था। उन्हें अपने जीवन में नौ प्रांतों में प्रवेश करने का कोई पछतावा नहीं था। उसके ताली बजाने के बाद अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया दी और ताली भी बजाने लगे। पूरा मार्शल आर्ट हॉल गड़गड़ाहट की तरह ताली बजाने लगा। किन युयान ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाए। उसके हाथ ने कृपाण की मूठ को कसकर पकड़ लिया। उस समय उसने न केवल सासा की तारों को हराया था, बल्कि उसने पियाओ जियान शिंग को भी हराया था। पराजित होने के अपमान को उसने धो डाला था। उसका दिल इतना उत्साहित था कि उसका खून खौल रहा था। सर, क्या आपने देखा? भले ही आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया, फिर भी मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। हर कोई किन युयान की सराहना कर रहा था। उस समय उन्हें पूरे क्षेत्र में सबसे चमकदार सितारा कहा जा सकता था। कोई यह सोच सकता था कि सासा की तारों को हराने के बाद उसकी प्रसिद्धि सीधे पियाओ जियान शिंग से आगे निकल जाएगी और नौ प्रांतों को हिला देगी। उस समय अखाड़े में एकमात्र व्यक्ति जो खुश नहीं था, वह था सासा की तारों। उसने खो दिया। नौ प्रांतों में यह उनकी पहली चुनौती थी। अगर वह अपनी पहली चुनौती में हार गया तो वह कैसे आगे बढ़ सकता था? उसने कितनी भी लड़ाइयां जीती या कितने लोगों को हराया, यह उस तथ्य को नहीं बदलेगा। यह कहा जा सकता है कि उस समय नौ प्रांतों में आने की उनकी योजना पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। वह यंग राज्य में एक प्रसिद्ध कृपाण प्रतिभा था। वह जिया हे लियू निंजा ब्लेड के मास्टर और मुराकामी के उत्तराधिकारी भी थे। जब वह नौ प्रांतों को चुनौती देने आया तो पूरा यंग राज्य उसका प्रचार कर रहा था। इसके कारण उन्होंने बहुत सारे संसाधन भी प्राप्त किए।
अगर वह ऐसे ही वापस चला गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यंग राज्य के नियमों के अनुसार भले ही उसके मालिक ने उसे अपने शरीर से बाहर निकलने की अनुमति न दी हो, यंग राज्य के नागरिकों की लार उसे डुबो सकती है। वह निश्चित रूप से ऐसे ही वापस नहीं जा सकता था। अगर वह उस अपमान को वापस ले आए तो उनके परिवार को भी फंसाया जाएगा। उसके हृदय में अपमान, क्रोध और भय का भाव उमड़ पड़ा और उसकी हत्या की मंशा फैल गई, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने हार स्वीकार नहीं की थी, जिसका अर्थ था कि प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई थी और वह अभी भी एक और चाल चल सकता था। अगर उसकी खेती पर प्रतिबंध हटा दिया गया तो उसकी 9वीं कक्षा की हॉटियन की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से किन युयान की 8वीं कक्षा की ताकत से आगे निकल जाएगा। उस समय वह केवल खुद को मार सकता था, बल्कि किन युयान को मार डालो। कम से कम वह उसके मेरिडियन को गंभीर रूप से घायल कर देगा और 9 प्रांतों से एक प्रतिभा को गिरा देगा। वह कह सकता था कि वह बहुत क्रोधित था, उसने अपनी तर्कसंगतता खो दी और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। उसने जानबूझकर उसकी हत्या नहीं की। 9 प्रांतों का आचरण सदा परोपकारी और धर्मी रहा है। वह एक चुनौती के दौरान किसी को चोट पहुंचा रहा था और सड़कों पर लोगों को नहीं मार रहा था, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसे सीधे हत्यारे के रूप में दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यह संभव था कि वह पहले उसे पकड़ ले और फिर उसे अदालत में लाए। जब वह समय आया तो यंग राज्य बातचीत करेगा। स्थिति अच्छी रही तो प्रत्यर्पण भी हो सकता है। अगर उसने किन युयान को मार दिया होता तो यंग राज्य के लोग निश्चित रूप से उसका समर्थन करते और उसका तिरस्कार नहीं करते। यदि वह यंग राज्य में लौट सकता है तो उसे इसके बजाय भारी लाभ प्राप्त होगा। उस समय सासाकी तारो ने तुरंत एक योजना के बारे में सोचा जो उनके लिए सबसे अधिक फायदेमंद थी, चुनौती में उनकी विफलता के भारी अपमान को हल करने की योजना। एक जुअल लो मरना एक योजना के साथ आने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत अपनी सारी खेती शुरू कर दी और किन युयान पर आरोप लगाया। उसकी साधना पुनर्तः मुक्त होने के कारण उसकी गति पहले की तुलना में दुगनी से भी अधिक तेज थी। हॉटियन 9वीं कक्षा, वह पहले से ही एक जियांटियन ग्रैंडमास्टर के करीब था। इसके अलावा उन्होंने प्रसिद्ध जिया हेलियू निंजा ब्लेड की खेती की, जो अपनी गति के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार वह अत्यंत तेज था। देखने के मंच पर डू चांग फेंग और अन्य लोगों को तुरंत उसके इरादों का एहसास हुआ। दिलचस्प, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डू चांग फेंग ने जोरदार दहाड़ लगाए और सासाकी तारों पर सीधे चार्ज करते हुए अपनी आंदोलन तकनीक को अंजाम दिया। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया, यू वे से उन्हें जो चोटें आईं, वे फिर से उभरने लगी। उसकी मध्याह रेखा में दर्द और फटने की सनसनी ने उसकी हरकतों को रोक दिया। किन शेंगलोग और अन्य केवल जियांटियन क्षेत्र में थे और उनकी गति सासाकी तारों से ज्यादा तेज नहीं थी। उनके पास समय पर पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। किन युयान को उम्मीद नहीं थी कि सासाकी तारो इतनी बेशर्म होगी। सावधानी बरतते हुए उसने जल्दी से अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। हालांकि दूसरे पक्ष ने पहला कदम उठाया और पलक झपकते ही वह उसके ठीक सामने था। यहां तक कि अगर वह समय पर आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय कर सकती थी तो उसके पास एक चाल चलने का समय नहीं था। सफलता, सासाकी तारों के होठों पर एक गर्वित मुस्कान दिखाई दी। किन युयान को मारना और 9 प्रांतों की एक मार्शल आर्ट प्रतिभा को नष्ट करना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि थी। चुनौती में उनकी विफलता की भरपाई के लिए यह पर्याप्त था। हालांकि उस महत्वपूर्ण क्षण में जब सभी ने सोचा कि किन युयान की मृत्यु तय है, किन युयान की भौहों के बीच से एक कृपाण प्रकाश अचानक निकला, जिससे 300 फीट लंबी कृपाण रोशनी निकल गई और वह नीचे गिर गई। बूम, एक हिंसक विस्फोट के बाद सासाकी तारो सीधे बीच से आधे में विभाजित हो गया। स्टेडियम के मैदान में एक बड़ा नाला भी टूटा हुआ था। पूरे स्टेडियम में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। किन शेंगलोग और अन्य सभी रास्ते में दंग रह गए, अवाक रह गए। उस कृपाण मास्टर की कृपाण मंशा वास्तव में दुश्मन का विरोध करने के लिए जारी की जा सकती है जब उसे खतरे का आभास होता है। ईश्वरीय, वह वरिष्ठ कितना मजबूत था। ये जियो की तरफ बिना रुके पढ़ने के बाद उसे आखिरकार आयुध शोधन तकनीक की आखिरी किताब मिल गई। इसे गोल्डन बुक में दर्ज करने के बाद जब तक उन्होंने खेती करना समाप्त कर दिया तब तक वे इसे संश्लेषित कर सकते थे।
दूसरी तरफ के कुछ मार्शल कलाकार भी किन युयान के द्वंद्व पर चर्चा करने लगे। बिना किसी शक के किन युयान जीत गया। हालांकि उन्होंने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी वही यह थी कि सासा की टेरो हार नहीं सकती थी और वास्तव में गंदा खेलती थी। सौभाग्य से उसके कृपान के इरादे ने उसे मार डाला, अन्यथा नौ प्रांतों में से कोई होगा जो यंग राज्य के किसी व्यक्ति द्वारा घायल हो जाएगा। अपने पिछले जीवन में ये जियो यंग राज्य के एक निश्चित बवुआ से सबसे ज्यादा नफरत करता था। अपने वर्तमान जीवन में क्या ऐसा हो सकता है कि यह यंग राज्य के विरुद्ध अप्रत्यक्ष प्रतिशोध था? इसके बारे में सोचना काफी आरामदायक था। डिंग, लाइब्रेरी की क्लोजिंग बेल बजी। ये जियो ने अपनी किताबें बंद कर दी और घर जाने की तैयारी की। जब वह मुख्य द्वार से गुजरा और काम से बाहर निकलने ही वाला था तो उसकी नाक में एक हल्की सुगंध आ गई। उसने एक नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया और सुश्री वान की नजरों से मुलाकात की। क्या संयोग है, ये जियो ने घड़ी में अपनी तर्जनी को बढ़ाया। सुश्री वांग ने भी अंदर मुक्का मारा। यह काफी संयोग है, मैंने आपको हाल ही में नहीं देखा है। आप क्या कर रहे हैं? मैं हाल ही में ऊपरी मंजिलों में पढ़ रहा हूँ। आप अभी भी पढ़ रहे हैं? अब समय आ गया है कि आपको एक प्रेमिका मिले। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक से मिलवाऊं? चिंता न करें, मैं आपको एक अमीर परिवार की एक महिला से मिलवाता हूँ। वह कोई यादृच्छिक लड़की नहीं है। उद्धरण चिन्ह, धन्यवाद, लेकिन मैं इस समय प्यार में नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, तो मैं पहले घर जाऊंगा। ओ ठीक है, कुछ दिनों में मेरी शादी हो रही है। डॉन, यह कहने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सुश्री वांग को पुकारा। सुश्री वांग ने अपना हाथ लहराया और जल्दी से दूसरे की ओर दौड़ी और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठ गई। आदमी का रूप साधारण था और उसके कपड़े आकर्षक नहीं थे। वह एक ईमानदार आदमी था। सुश्री वांग के कपड़े अधिक औपचारिक थे। उसके पास पहले जैसी आभा नहीं थी। उसके चेहरे का श्रृंगार केवल हल्का था और उसके शब्द अब इतने तुच्छ नहीं थे। दुनिया की दो सबसे कठिन चीजें, एक दूसरे के पैसे को किसी की जेब में डालना था और दूसरे को अपने विचारों को दूसरे के दिमाग में डालना था। एक भ्रष्ट आत्मा को बचाने के लिए एक शक्तिशाली साधना तकनीक को संश्लेषित करने की तुलना में सिद्धि की अधिक भावना थी। हालांकि ये जियो ने महसूस किया कि अधेड़ उम्र के चाचा काफी दयनीय थे, फिर भी मानव संसार के मामलों का उससे क्या लेना देना था। जब तक शामिल व्यक्ति खुश महसूस करता था, ऐसा लग रहा था कि उनके शब्दों ने सुश्री वांग को थोड़ा प्रभावित किया था। वह पहले से ही अपना जीवन फिर से शुरू करना चाहती थी। इसने ये जियो को उपलब्धि की एक अकथनीय भावना दी। क्या कह रहा था? जब ये जियो घर लौटा तो गोल्डन बुक में अंतिम शस्त्र शोधन साधना तकनीक भी विकसित की गई थी जो पूर्णता की स्थिति तक पहुंच गई थी। आखिरकार शस्त्र शोधन की साधना तकनीकें जुझारू साधना तकनीक नहीं थी, इसलिए यह इतना कष्टदायक होने से बहुत दूर थी। इसे पहले से ही संश्लेषित किया जा सकता था, इसलिए ये जियो ने हुआन लियुली को दरवाजे के बाहर बंद कर दिया। मुख्य द्वार को देखो, जब तक मैं तुम्हें फोन नहीं करता तब तक अंदर मत आना, हुआन लियुली ने बड़बड़ाया। क्या बड़ी बात है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं एक गुलाम हूँ? अगले 300 वर्षों में आप देखेंगे कि मैं आपके साथ कैसे व्यवहार करूँगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजे की दरार से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। इसके कारण हुआन लियुली ने धीरे धीरे अपना इंजन बंद कर दिया क्योंकि उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गई थी। यह साथी फिर से मजबूत हो गया। क्या उसने अमर गोली खा ली थी? उसकी खेती रॉकेट की तरह क्यों बढ़ रही है? जैसे जैसे वे छोटे होते गए, स्टार जानवर अपने आप मजबूत होते गए। कहा जा सकता है कि ड्रैगन क्लास ब्लडलाइन वाले स्टार बीस्ट की खेती की गति सबसे तेज होती है। उसकी तुलना में ऐसा क्यों लगा कि यह कचरा था? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि 300 सालों में मैं उसे हरा ना पाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी नन्ही मुठियां भींच ली। नहीं, मैं एक प्रेत बिल्ली हूं, एक ड्रैगन क्लास ब्लडलाइन वाला एक तारा जानवर। मैं आशा कैसे छोड़ सकता हूं? मैं अभी और 50 साल जुड़ूंगा। 350 वर्षों में मैं आसमान में उड़ जाऊंगा और ये जियो को एक पालतू जानवर के रूप में ले जाऊंगा। कमरे में ये जियो की आयुध शोधन साधना तकनीक सभी एक साथ जुड़ी हुई थी। बहुत जल्दी एक नई आयुध शोधन तकनीक का गठन किया गया। ईश्वरीय शिल्प कौशल, क्या ही कामचलाओ नाम है।
जो बेहतर नहीं जानते थे उन्होंने सोचा होगा कि यह एक मुहावरा है। फिर एक रात की प्रतीक्षा के बाद गोल्डन बुक ने साधना तकनीक को स्वचालित रूप से विकसित करना समाप्त कर दिया। अगली सुबह जब ये जियो उठा तो उसने तुरंत उस सामग्री का इस्तेमाल किया जो उसने पहले से तैयार की थी एक हथियार को परिष्कृत करने के लिए। ईश्वरीय शिल्प कौशल घूम गया और आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके सामने एक उच्च तापमान क्षेत्र का निर्माण किया। पिग आयरन के सभी 1000 टुकड़ों में फेंकने के बाद पिघले हुए लोहे के एक हिस्से को जल्दी से परिष्कृत किया गया और अशुद्धियों का एक हिस्सा बन गया। हालांकि पिघला हुआ लोहा जिसे परिष्कृत करने की आवश्यकता थी वह पहले की तुलना में बहुत कम था। पहले जब ये जियो ने पिघले हुए लोहे को परिष्कृत किया तो उसे इतने पिघले हुए लोहे को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी कि वह अकेले इसके साथ एक नया हथियार बना सके। उस समय उन्होंने केवल एक कील बनाने के लिए पर्याप्त पिघले हुए लोहे को परिष्कृत किया। अंत में यह एक शाही तकनीक थी, बहुत छोटा। ये जियो थोड़ा हैरान हुआ, ऐसा लग रहा था कि उनका दिव्य कौशल वास्तव में बहुत मजबूत था। यह उन बुनियादी साधना तकनीकों की तुलना से बहुत दूर था। हालांकि यह हथियार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, मैं बस एक छोटा सा फेंकने वाला चाकू बनाऊंगा। ये जियो ने इसे लोहे से फेंकने वाले एक अच्छे चाकू में गढ़ा। फिर उन्होंने खेती की तकनीक वापस ले ली। एक विचार के साथ फेंकने वाला चाकू उसके हाथ में घुस गया। इस फेंकने वाले चाकू के ग्रेड को देखते हुए यह पहले से ही ग्रैंड मास्टर ग्रेड तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। पहले मुझे अभी भी संदेह था कि पिग आयरन ग्रैंड मास्टर ग्रेड हथियार बनाने में सक्षम नहीं होगा। मुझे खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि यह भी अच्छा है, शिल्प कौशल जितना मजबूत होगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। ग्रैंड मास्टर ग्रेड हथियार बनाने के लिए पिग आयरन के सार का उपयोग करना, अगर मैं बेहतर सामग्री का उपयोग करता तो मुझे डर है कि और भी बेहतर सामग्री होगी, है ना? हथियार बनाने की तकनीक में केवल हथियार बनाने की क्षमता थी। एक उचित हथियार और कवच बनाने के लिए एक निश्चित मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता था कि एक उच्च श्रेणी के हथियार को बनाने के लिए किसी को अभी भी एक स्टार जानवर या एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार की आत्मा की आवश्यकता होती है ताकि इसे हथियार में सील कर दिया जा सके और इसे हथियार के साथ जोड़ दिया जा सके, तभी कोई सबसे मजबूत हथियार बनाने में सक्षम होगा। उस बिंदु के बारे में यह ठीक वैसा ही था जैसा कि उन प्राचीन आचार्यों ने अपने पिछले जन्म में हथियार बनाए थे। हालांकि एक सामान्य स्टार बीस्ट सोल का उपयोग करके फौज करना व्यर्थ था, सुधार बहुत अच्छा नहीं था। एक उच्च श्रेणी की स्टार बीस्ट सोल बहुत दुर्लभ और खोजने में कठिन थी। उस बिंदु तक बोलते हुए ये जियो ने अचानक एक साथी के बारे में सोचा, राजा एल। वह एक आकाशीय स्तर का तारा जानवर था, इसलिए उसकी आत्मा और भौतिक शरीर बहुत शक्तिशाली थे। वह निश्चित रूप से राजा एल की आत्मा के साथ एक अच्छे हथियार या कवच को परिष्कृत कर सकता था। जल्द ही यह वह दिन होगा जब 7 सितारे संरेखित होंगे। वह नहीं जानता था कि उस समय किंग एल रन आउट होगा या नहीं। यदि वह भागना चाहता था तो वह उसे मार डालेगा और अपने भौतिक शरीर और आत्मा का उपयोग हथियार या कवच बनाने के लिए करेगा। हालांकि उनकी वर्तमान खेती केवल शियांशन 5वीं कक्षा में थी, उसे अभी और मेहनत करने की जरूरत थी। वह पहले से ही शियांशन 6ठी कक्षा की मार्शल आर्ट का सही अर्थ समझ चुका था। जब तक उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती को बढ़ाया वह पूरी तरह से शियांशन 6ठी कक्षा तक पहुंचने में सक्षम होगा, एक महान ग्रैंड मास्टर का शिखर। खेती की गति जितनी धीमी होती गई उतनी ही आगे बढ़ती गई। साधना तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उच्च श्रेणी के लिए विस्तार करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा भी अधिक थी। यह 1+1 जितना आसान नहीं था। कैसा रहेगा कीमिया की कला सीखना? ऐसा इसलिए था क्योंकि कीमिया ही एकमात्र तरीका था जिससे व्यक्ति की खेती को तेजी से बढ़ाया जा सकता था। हालांकि कीमिया अधिक महंगी थी, वह अकेले स्टार बीस्ट का शिकार करके संसाधन प्राप्त कर सकता था ताकि वह गोलियों को परिष्कृत कर सके। यह एकदम सही था, उन्होंने कीमिया सीखने का फैसला किया। यह सोचने के बाद ये जियो ने फेंकने वाला चाकू हटा दिया और काम पर निकल गया। उन्होंने पहले नाश्ते की दुकान से कुछ उबले हुए बंस और अंडे का सूप खरीदा, फिर सामग्री की दुकान का दौरा किया। बॉस जू, वह अक्सर वहां सामग्री खरीदता था इसलिए ये जियो और बॉस एक दूसरे से बहुत परिचित थे।
बॉस ज़ू तुरंत एक मुस्कान के साथ बाहर चला गया। क्या आपने कल हथियार को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया? ये जियो ने सिर हिलाया। मैं कल असफल रहा। वास्तव में यह अजीब है, लेकिन यह ठीक है। एक साधारण लोहार की विफलता दर आपकी तुलना में बहुत अधिक है। आप केवल एक बार असफल हुए, इसलिए यह कुछ भी नहीं है। ये जियो ने सिर हिलाया, फिर अपनी जेब से फेंकने वाला चाकू निकाला। मैंने कल घर पर अपने सामान के बारे में अफरा तफरी मचाई और पाया कि मेरे पूर्वजों का एक फेंका हुआ चाकू गिरा हुआ है। क्या आप मुझे यह देखने में मदद कर सकते हैं कि इसका मूल्य कितना है? जब बॉस ज़ू ने आइटम देखा तो उसकी आंखें तुरंत जल उठी और उसने जल्दी से उसे ले लिया। डी एमिन, यह एक ग्रैंड मास्टर ग्रेड फेंकने वाला चाकू है। ये जियो, आपके पूर्वजों के पास उनके लिए हथियार बनाने में सक्षम लोग हैं। ये जियो मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल वह उस दुनिया में एक अनाथ था। उनके माता पिता बहुत समय पहले स्टार बीस्ट के खिलाफ युद्ध में मारे गए थे। उसे पता नहीं था कि उसके पूर्वज कौन थे। हालांकि उसने फेंकने वाले चाकू को आसानी से बेचने के लिए इसे बनाया। बॉस ज़ू ने बार बार फेंकने वाले चाकू का निरीक्षण किया और उसकी प्रशंसा करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह एक अच्छी बात है। हालांकि ये जियो, कीमत के मामले में यह उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना आप सोचते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि चाहे वह खेती की तकनीक, हथियार, कवच या गोलियां, ग्रैंड मास्टर ग्रेडेड आइटम हो, निश्चित रूप से सामान्य और पारलौकिक वस्तुओं की तुलना में अधिक महंगे हैं। साधारण आइटम सैकड़ों से लेकर हजारों तक, उत्कृष्ट आइटम हजारों से लेकर हजारों तक और ग्रैंड मास्टर ग्रेड आइटम सैकड़ों हजारों से लेकर लाखों तक होते हैं। हालांकि आपका आइटम बहुत छोटा है। यदि यह एक वास्तविक लंबा कृपाण होता तो एक काय को आपसे कम से कम 6 अंकों तक झूठ बोलना पड़ता। हालांकि आपका यह फेंकने वाला चाकू मेरी लंबाई के बराबर है। अधिक से अधिक इसे केवल एक छिपे हुए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग करना बहुत असुविधाजनक है, इसलिए इसे अच्छी कीमत पर बेचना बहुत मुश्किल है। ये जियो ने सिर हिलाया। मुझे पता है, आप इसे मुझे दे सकते हैं जैसा आप फिर देखते हैं। ठीक है, बॉस ज़ू ने खुद से बुदबुदाया, अपना हाथ बढ़ाया और दो बार इशारा किया। यह नंबर 120,000 युआन, ये जियो ने पूछा और बॉस ज़ू ने सिर हिलाया। वह कीमत ये जियो की उम्मीदों के भीतर थी। यही वजह थी कि वह पैसे को इतना महत्व नहीं देता था। जब तक किसी के पास क्षमता थी तब तक धन प्राप्त करना बहुत आसान था। उदाहरण के लिए उस परिदृश्य को लें, ईश्वरीय शिल्प कौशल सीखने के बाद ये जियो 120,000 युआन का ग्रैंड मास्टर ग्रेड फेंकने वाला चाकू बनाने के लिए पिग आयरन खरीदने के लिए केवल 1000 युआन का उपयोग कर सकता था। यदि वह अधिक उन्नत सामग्रियों का उपयोग करता है तो वह आसानी से सैकड़ों, हजारों या लाखों युआन के हथियार और कवच बना सकता है। यह सिर्फ मुनाफाखोरी थी। ठीक है, चलो इस कीमत के साथ चलते हैं। ठीक है, मैं आपको बाद में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। बॉस ज़ू ने फेंकने वाला चाकू हटा दिया और जारी रखा। ये जियो, एक बात है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आगे बढ़ो। क्या आप और अधिक हथियारों को परिष्कृत करने के इच्छुक हैं? क्यों? आपको 7 सितारों के संरेखण के बारे में सुना होगा, है ना? 7 सितारों के संरेखित होने के दिन तारा जानवर मजबूत हो जाएंगे और जानवर पागल हो जाएंगे। तो अब हथियार बहुत मांग में है। इस अवधि के दौरान उदाहरण के लिए ट्रांसेंडेंट ग्रेड रिफाइंड आयरन लॉन कृपाण, जिसे आपने हाल ही में जाली बनाया था, उसकी खुदरा कीमत 3,000 से 4,000 थी, लेकिन अब यह 5,000 से शुरू हो रही है। यदि आप तैयार हैं तो आप अधिक हथियारों को परिष्कृत कर सकते हैं। समय आने पर मैं कीमत बढ़ा दूंगा और इसे अधिक कीमत पर बेचूंगा। प्रत्येक कृपाण के साथ आप कम से कम 200 से 300 युआन कमाएंगे। खरीद मूल्य 3,000 युआन से अधिक हो जाएगा। आप हर रात एक को परिष्कृत कर सकते हैं। यदि आप इसे दिन में एक साथ परिशोधित करते हैं तो आप कम से कम 3 का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। आप एक दिन में कुछ हजार युआन कमा सकते हैं। 2 से 3 महीने तक कमाने के बाद आप एक घर खरीद सकते हैं और एक प्रेमिका ढूंढ सकते हैं। क्या यह अच्छा नहीं लगता? ये जियो ने सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मत बनो, इसके बारे में फिर से सोचो। यह जीवन में एक बार का अवसर है।
कीमत के लिए यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो हम इस पर फिर से चर्चा कर सकते हैं। यह पैसे के बारे में नहीं है। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे काम के लिए देर हो रही है। मैं पहले जा रहा हूँ। बॉस जू को फिर से अस्वीकार करने के बाद ये जियो घूमा और चला गया। बॉस जू ने उसके पीछे सिर हिलाया। अफसोस की बात है, यह बच्चा हथियारों को परिष्कृत करने में काफी कुशल है, लेकिन वह बहुत ही अडिग है। सुंदर चेहरा रखने से क्या फायदा? अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या वह भविष्य में बूढ़ा कुंवारा नहीं होगा? उसके बाद वह दुकान में चला गया और ये जियो को पैसे ट्रांसफर करने लगा। उस समय ये जियो ने सोचना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि हथियारों की कीमत भी बढ़ने लगी थी। इसका मतलब था कि 7 सितारों के संरेखन का दिन वास्तव में निकट था। उस समय पूरे जियांगई शहर को पुराने भिक्षु फाजेंग ने साफ कर दिया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कोई स्टार बीस्ट नहीं होगा। इसका कारण यह था कि प्रत्येक पशु आपदा के बाद छिपने वाले तारा पशु दुबके और विकसित होंगे, जबकि कुछ शक्तियों का विकास भी करेंगे। कई बीस्टमैन संगठनों की तरह वे कमोबेश उनके साथ जुड़े हुए थे। वे जियांगई शहर के शहर में नहीं हो सकते हैं। यह भी संभव था कि वे आसपास के जंगलों में हों। एक बार जब 7 तारे संरेखित हो जाते तो उनकी ताकत बढ़ जाती और वे तुरंत शहर पर हमला कर देते। ये जियो ने उन स्टार बीस्ट्स की ज्यादा परवाह नहीं की। कचरा मजबूत होने पर भी वह कूड़ेदान की श्रेणी से बाहर नहीं निकल पाता। यद्यपि वह ये जियो अधिक शांत और विनम्र था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह रेत की मूर्ति थी। वह उन कचरा सितारा जानवरों के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता था। केवल एक चीज जिसकी उससे परवाह थी वह थी किंगेल, एक दैवीय स्तर की आत्मा, एक दैवीय स्तर का सितारा कोर और एक दिव्य स्तर का तारा बीस्ट मीट। इसके बारे में सोचकर ही वह मदहोश हो गया। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि वे 7 सितारा संरेखन के दिन से पहले दिव्य संप्रदाय में आगे बढ़ सकते हैं। शायद उसे कुछ कवच और हथियारों को परिष्कृत करने पर विचार करना चाहिए। उस समय राजा एल का शिकार करना बेहतर होगा। जिसकी बात करें तो मेरे शोधन का वर्तमान स्तर बहुत अधिक है। अगर मैं भविष्य में ओल्ड जू के साथ व्यापार करना जारी रखता हूँ तो मैं बेनकाब हो सकता हूँ और दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं कुछ शीर्ष स्तरीय सामग्री खरीदना चाहता हूँ तो दूसरों के लिए सुराग का पता लगाना और मेरी पहचान को उजागर करना आसान होगा। मैंने सुना है कि हर शहर में एक काला बाजार होता है जहां आप चीजें खरीद सकते हैं। शायद मुझे अपना रूप बदलना चाहिए, अपनी पहचान बदलनी चाहिए और काला बाजार जाकर देखना चाहिए। पुस्तकालय में पहुंचने के बाद ये जियो ने कीमिया से संबंधित पुस्तकों की खोज शुरू कर दी और सीखना शुरू कर दिया। एक दिन के समय में उन्होंने 2 अलग-अलग प्रकार की बुनियादी कीमिया तकनीकों को खोजा और उन सभी को खेती करने के लिए गोल्डन बुक में संग्रहित किया। काम से छूटने के बाद वह जियांगई शहर के काला बाजार में चला गया। काला बाजार जैसा स्थान 9 प्रांतों के कानूनों के अधीन नहीं था। आखिरकार काम पर रखने वाली कंपनियों के कई कर्मचारी अनिवार्य रूप से कुछ पैसे जेब में डालेंगे जब वे स्टार बीस्ट का शिकार कर रहे होंगे। कुछ अच्छी चीजें सतह पर बेचना आसान नहीं होता। काला बाजार में इन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता था। इसके अलावा वे करों से बच सकते थे। बेशक जोखिम भी अधिक था। सबसे पहले खरीदारों और विक्रेताओं के बीच अखंडता की समस्या थी। दूसरे, यदि बेची गई चीजें बहुत खतरनाक थी और मानक सीमा से अधिक थी तो यह अच्छी बात नहीं होगी यदि वे गैरिसन द्वारा पकड़ी जाती हैं। वास्तव में काला बाजार के अस्तित्व की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इसका अस्तित्व प्रासंगिक था। इसके पीछे यह जरूर था कि केक खाने वाले कुछ लोग थे, अन्यथा यह अस्तित्व में नहीं होता। सामान्य तौर पर आपने जो कुछ भी किया आपको निर्धारित नियमों के भीतर एक अच्छा बच्चा बनना था। वह नियम एक अच्छा बच्चा बनना था और 9 प्रांतों के नियमों का उल्लंघन नहीं करना था। कम से कम आप इसके बारे में बेशर्म नहीं हो सकते थे। ये जियो अच्छी तरह से समझती थी कि आप एक अच्छे बच्चे हैं या नहीं। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप चाहते हैं या नहीं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कर सकते हैं या नहीं। यदि आप बड़े शॉट होते तो 100 मिलियन नियम अप्रासंगिक होते। यदि आप कचरे का एक टुकड़ा थे, भले ही वह एक ही नियम था, आपको आज्ञाकारी होना था। उस समय उसे कचरा नहीं माना जाता था, लेकिन वह केवल जियांटियन 5वीं कक्षा में था।
स्वाभाविक रूप से वह ऐसे काम नहीं करेगा जो नियमों का उल्लंघन करते हो, नहीं तो वह कालाबाजारी की ओर नहीं भागता। वह खुले तौर पर ऐसा करता, बॉस जू को उसके लिए सामग्री तैयार करने के लिए कहता। काला बाजार का स्थान जियांगई शहर के उत्तर पूर्व कोने में एक पुराने शहर के जिले में था। यह आमतौर पर रात 10 बजे के बाद और 3 बजे से पहले खोला जाता था। जब ये जियो पहुंचे तो काला बाजार शुरू ही हुआ था। उन्होंने अपना चेहरा बदलने के लिए भेस की तकनीक का इस्तेमाल किया था। दूसरे उसकी पहचान नहीं पहचान पाएंगे। लोग प्रसिद्ध होने से डरते थे, लेकिन स्व मजबूत होने से डरते थे। उन्हें अभी भी रहस्य रखने में अच्छा होना था। दूर से ही वह देख सकता था कि कालाबाजारी में पहले से ही काफी संख्या में लोग जमा थे। पुरानी स्ट्रीट लाइटों के नीचे लोग आ जा रहे थे। बहुत चहल पहल थी। समय समय पर स्टालों की जयकार सुनाई देती थी। दृश्य कुछ ऐसा ही था जब ये जियो अपने पिछले जन्म में छोटा था, जब वह अपने माता पिता के साथ गाँव की गली में बाजार गया था। यह बहुत गर्म था और स्थानीय रीति रिवाजों से भरा था। कुछ सेकंड याद करने के बाद ये जियो ने अपनी जेब में हाथ डाला और भीड़ का पीछा करते हुए गली में चला गया। उनके कंधे पर हुआन लियुली का भी विशेष इलाज किया गया था। उसने अपना रंग बदल लिया था और एक साधारण घरेलू बिल्ली से अलग नहीं दिख रहा था। मास्टर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम घर जाकर सो भी सकते हैं। यह बहुत उबाव है। बकवास बंद करो, हम आज यहाँ गंभीर व्यवसाय करने के लिए हैं। आपको अपनी ऊर्जा का 120% खर्च करना होगा। हुआन लियुली की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। यह सरल नहीं था। ये जियो जैसे शीर्ष विशेषज्ञ को बनाने में सक्षम होने के लिए इसे गंभीर व्यवसाय के रूप में देखें। फुफकार, ऐसा लग रहा था कि आज रात कुछ बड़ा होने की प्रबल संभावना है। जैसे ही उसने सोचना समाप्त किया, स्वामी और नौकर के कानों में एक मधुर बिकवाली आवाज अचानक सुनाई दी। दुबला मीटबॉल काला बाजार पर सबसे अच्छा स्वाद निविदा और चिकना है। 2 घंटे से अधिक समय के बाद हुआन लियुली ने अपने सूजे हुए पेट को पकड़ रखा था और बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मास्टर, आपने मुझे गर्भवती कर दिया है। ये जियो ने उसकी तरफ देखा और भुना हुआ मांस उसके मुंह में निगल लिया। फिर मछली को अपने मुंह में डालो। नहीं, मैं इसे पचा सकता हूँ। मैं अभी भी खाना जारी रख सकता हूँ। हुआन लियुली ने अपना पेट बाहर निकाला और ये जियो के पास चली गई। उसने असमंजस में ये जियो के पेट की ओर देखा। वह अजीब था। ये जियो का पेट क्यों नहीं बढ़ा? उसने उससे कहीं अधिक खाया। वास्तव में यही कारण था कि उन्होंने अविनाशी हीरा दिव्य कला की खेती की। अविनाशी हीरा दिव्य कला अंदर और बाहर दोनों जगह खेती की जाती है। बाहरी ने मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा की खेती की, जबकि आंतरिक ने 5 विस्रा और 6 हाथों की खेती की। हृदय, प्लीहा, यकृत, पेट, गुर्दा। साधना तकनीक को मजबूत करने के बाद पूरे पाचन तंत्र को लंबे समय तक एक अकल्पनीय स्तर तक उन्नत किया गया था। उनके लिए साधारण भोजन के पाचन की गति अत्यंत तेज थी। इसके अलावा इससे वह मोटा नहीं होगा और वह आसानी से खुद का समर्थन नहीं करेगा। जब तक वह रक्तसार और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर कुछ नहीं खाता, तब तक उसका पाचन धीमा हो सकता है। उदाहरण के लिए, दैवीय स्तर के राजा एल, ये जियो लंबे समय से किंग एल के बारे में सोच रही थी। जब से उसने किंग एल की जानकारी पढ़ी, वह हर बार मटन सूप और बीफ सूप पिया उसके बारे में सोचने में मदद नहीं कर सका। राजा एल एक जंगली जानवर की तरह लग रहा था। वह नहीं जानता था कि यह भेड़ है या गाय। हालांकि विस्फोटक मांसपेशियों से भरा इसका शरीर हमेशा ये जियो द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। कंड्रा से बना ब्रेज्ड मांस सबसे स्वादिष्ट था। यह चबाने वाला और नाजुक था। इसके अलावा किंगेल की खेती बहुत अधिक थी। उसका मांस निश्चित रूप से जीवन शक्ति से भरा होगा और परोक्ष रूप से ये जियो की खेती के एक हिस्से को बढ़ा सकता है। ये जियो ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि किंगेल के मांस और रक्त के केवल आधे हिस्से का उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जाएगा। शेष आधा कबाब बनाने के लिए 20 पाउंड, सूप बनाने के लिए 20 पाउंड पैर की हड्डियां, 20 पाउंड ब्रेज्ड मांस बनाने के लिए और 20 पाउंड आलू स्टू बनाने के लिए होंगे। चलते चलते मालिक और नौकर की जोड़ी ने खा लिया। रात करीब 12 बजे काला बाजार अपने चरम पर था। तरह तरह के स्टॉल लगाए गए। उस समय गैरिसन के कुछ सदस्य भी तैनात थे और गश्त कर रहे थे। उनमें से वास्तव में गुहाई भी था।
विशेष प्रशिक्षण शिविर में गहन प्रशिक्षण के बाद उनकी खेती पहले ही हॉटियन चौथी कक्षा तक बढ़ चुकी थी और वह अपनी सीमा तक पहुंचने ही वाले थे। उसे हॉटियन पांचवी कक्षा में आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यहाँ तक कि उनकी बाहों की मांसपेशियां भी काफी मजबूत हो गई थी और उनकी त्वचा भी काफी सांवली हो गई थी। यह देखा जा सकता था कि वह अब अपनी पत्नी और बच्चों की खातिर बहुत प्रयास कर रहा था। उसने पहले ही अपना रूप बदल लिया था, इसलिए ये जियो को उसके पीछे चलने में कोई आपत्ति नहीं थी। बू हाई के बगल में छोटे बालों वाली एक खूबसूरत सहकर्मी ने उसकी लार निगल ली। वह आदमी जो अभी अभी गुजरा है वह कितना सुंदर है। बू हाई ने ये जियो की तरफ देखा और अपनी आंखों को मोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। हैंडसम से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा भाई उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है। क्या वह वही है जिससे हम आखिरी बार मिले थे जब हम पुस्तकालय में जांच करने गए थे? सही बात है, यह सच है। मैं अभी भी उस लड़के के लुक्स के बारे में नहीं भूल पाया। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप उसे मेरा वीचैट दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, मेरा भाई बहुत अच्छा दिख रहा है। यदि आप स्कूल बेले नहीं हैं तो आप उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। हालांकि आप बुरे दिखने वाले नहीं हैं, आप सबसे ज्यादा क्लास बेले हैं। ये जियो जो पहले ही बहुत दूर चल चुका था यह सुनकर खुद को कृतज्ञ महसूस नहीं कर सका। बू हाई ने उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया। उसका अच्छा दोस्त बनना उसके लिए बेकार नहीं था। मेरे पास यहाँ 2 मूवी टिकट हैं। आप उन्हें देखने के लिए अपनी पत्नी को ला सकते हैं। मैं उसका वीचैट अभी आपको भेजूंगा। ये जियो डगमगा गई और लापरवाह थी। उस बदमाश ने वास्तव में उसे 2 मूवी टिकटों के लिए बेच दिया। इसे भूल जाओ, चलो व्यापार पर वापस आते हैं। बिग डिपर के ग्रैंड मिस्ट्री ने पूरे काले बाजार को सक्रिय और स्कैन किया। ये जियो को पहले से ही वह मिल गया था जो वह इस समय चाहता था। वह एक स्टॉल पर आया। मालिक की खेती हॉटियन तीसरी श्रेणी की थी। वह चमड़े की जैकेट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसे देखते ही उसने तुरंत मुस्कुराते हुए पूछा, युवक तुम क्या खरीदना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ कि हथियारों को परिष्कृत करने के लिए कोई सामग्री है या नहीं जो उच्च गुणवत्ता वाले और अधिक विशेष हैं। बेशक वहाँ हैं। आप सही जगह पर आए हैं। इसे देखें, एक असाधारण स्तर का रॉक टर्टल शेल। यह एक तरह का उत्कृष्ट ग्रेड आइटम है। आपको पता होना चाहिए कि एक स्टार पालतू जानवर खरीदते समय अधिक से अधिक रक्त रेखा बेहतर। हालांकि हथियारों को परिष्कृत करने के लिए सामग्री खरीदते समय स्टार जानवर की ताकत जितनी अधिक होगी उतना ही बेहतर होगा। इस चीज को वापस खरीद लें और इसे दिल की सुरक्षा दर्पण या कुछ और बना दें। मैं गारंटी देता हूं कि कम ग्रैंड मास्टर हमले के बाद भी आप ठीक होंगे। इसके अलावा यह एक कम पारलौकिक ग्रेड फायरफॉक्स त्वचा है जिसे बनियान में बनाया जा सकता है। यह न केवल कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा के हमलों से बचाव कर सकता है बल्कि यह कंधों को गर्म कर सकता है, रक्त को मजबूत कर सकता है, बाहों में दर्द को कम कर सकता है और युद्ध की ताकत बढ़ाए। हाँ, ये जियो ने बिना ज्यादा सोचे समझे जवाब दिया। वह उन बातों की ज्यादा परवाह नहीं करता था। वह वास्तव में जिस चीज की परवाह करता था वह एक खंडित पैमाना था। यह हथेली के आकार का केवल आधा था लेकिन उस पर अंतर्निहित पदार्थ अभी भी बहुत अच्छा था। इस चीज की कीमत कितनी है? इस पेडलर ने देखा कि ये जियो को उस पैमाने में दिलचस्पी थी और वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन थोड़ा हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस पैमाने की भव्यता को पहचान पाएंगे। युवक आपके पास कुछ कौशल है। यह कुछ ऐसा है जो मुझे एक दोस्त से मिला है। यह एक अच्छी चीज है। मैंने सुना है कि इसे लिंगनान पर्वतीय कर्नल में उठाया गया था। दुर्भाग्य से यह केवल आधा पैमाना है। यदि इसका उपयोग हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है तो मुझे लगता है कि यह कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। यदि आप इसे चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि इसकी कीमत लगभग 8000 युआन है। जब ये जियो ने यह सुना तो वह मुस्कुराया और फिर से पैमाना नीचे कर दिया। यह काफी कीमत है। मैं कह सकता हूँ कि यह पैमाना बहुत अधिक है लेकिन जैसा कि आपने कहा यह आधे में टूट गया है। जिन चीजों को इसके साथ परिष्कृत किया जा सकता है वे बहुत कम हैं। इसके अलावा किसी को पर्याप्त रूप से मजबूत आयुध मास्टर की तलाश करनी थी इसे परिष्कृत करने में सक्षम हो। पेडला ने अपनी नाक रगड़ी और अजीब तरह से मुस्कुराया। आप अपना सामान जानते हैं युवक।
कितना अप्रत्याशित है क्योंकि मैंने आपको इन हिस्सों के आसपास पहले कभी नहीं देखा है। ठीक है, मैं इसे एक नया दोस्त बनाने के रूप में मानूंगा। आपको इसे 5000 युआन में रखना होगा। 1500 युआन, ये जियो अचानक बोला, जिससे विक्रेता के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ओह युवक, आपकी सौदेबाजी थोड़ी क्रूर है। सभी या कुछ नहीं, 1500 युआन, इसके बारे में खुद सोचें। दूसरे पक्ष ने बेबसी से हाथ हिलाया। आप जीतते हैं, इसे ले लीजिए, लेकिन भविष्य में आपको मुझे और अधिक संरक्षण देना होगा। निश्चित रूप से, ये जियो के व्यापार करने के बाद उसने पैमाना लिया और चला गया। वास्तव में उस पैमाने का मुख्य निकाय असाधारण स्तर पर ही होना चाहिए। पूरे ब्लैक मार्केट में ऐसी कई चीजें थीं जो इससे बेहतर थीं। इनमें ग्रैंडमास्टर स्तर के स्टार बीस्ट की भी कई सामग्रियां थीं। हालांकि ये जियो को जिस चीज की परवाह थी वह और कुछ नहीं था बल्कि वह पैमाना था। यह बहुत ताजा था और अभी भी कुछ जीवन था। इसका मतलब यह था कि इसे मरने के बाद स्टार बीस्ट के शरीर से नहीं तोड़ा गया था बल्कि एक जीवित स्टार बीस्ट से गिराया गया था। उसने पैमाना क्यों खरीदा था? इसका कारण यह था कि वह उच्च ग्रेड के कुछ को परिष्कृत करने का प्रयास करना चाहता था। दूसरे, वह पैमाने के स्रोत को खोजना चाहता था। उस आदान प्रदान के बाद वह पहले से ही जानता था कि पैमाना लिंगन पर्वत के जंगल से आया है। पैमाने पर अभी भी जीवन का एक निशान था, इसलिए यह बहुत संभावना थी कि तारा जानवर अभी भी जीवित था और रिज के दक्षिण में जंगल में छिपा हुआ था। जैसा कि ये जियो अक्सर स्टार बीस्ट इंसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं, वह एक नजर में बता सकता था कि स्केल ब्लैक स्केल स्नेक से आया है, एक टाइगर क्लास ब्लडलाइन वाला स्टार बीस्ट। स्टार बीस्ट ब्लडलाइन को 3 वर्गों, ड्रैगन, टाइगर और वुल्फ में विभाजित किया गया था। ड्रैगन सबसे अच्छा था और भेड़िया सबसे कमजोर था। स्टार बीस्ट की ताकत को साधारण, असाधारण और ग्रैंड मास्टर में विभाजित किया गया था। बाकी इंसानों की तरह ही थे। टाइगर क्लास ब्लडलाइन को पहले से ही एक बहुत अच्छी ब्लडलाइन माना जा सकता है। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने असाधारण स्तर तक खेती की थी। वह इसे थोड़ा पोषित करने और इसकी ताकत को ग्रैंड मास्टर स्तर तक बढ़ाने पर विचार कर सकता था। उस समय वह मांस, रक्त सार और स्टार कोर प्राप्त करने के लिए इसकी त्वचा को छील सकता था, जिसका उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने या कवच में इसके तराजू को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। एक तरफ इसे सीधे खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की तुलना में यह काफी सस्ता था। हालांकि यह मुख्य कारण नहीं था। ये जियो को वास्तव में पैसे की परवाह नहीं थी। मुख्य कारण यह था कि ईश्वरीय शिल्प कौशल में एक रिकॉर्ड था कि कवच या हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक पूरे स्टार जानवर की त्वचा और हड्डियों का उपयोग करना सबसे अच्छा था। उनका मिलान करना आसान होगा, उन्हें सफलतापूर्वक परिष्कृत करना आसान होगा और ग्रेड और भी बेहतर होगा। उनके जीन की असंगति के कारण या शोधन के विफल होने के कारण ग्रेड गिरना दुर्लभ था। ये जियो के पास आज रात के लिए समय नहीं था। वह आज के लिए आराम करेगा और वह कल जाएगा। ये जियो पहले वापस गया और आधे पैमाने को परिष्कृत किया। बहुत जल्द एक फेंकने वाले चाकू को परिष्कृत किया गया। यह पहले से ही फेंकने वाले चाकू के समान ग्रेड तक पहुंच सकता था, जिसे पिग आयरन से परिष्कृत किया गया था। वे दोनों ग्रैंड मास्टर ग्रेड फेंकने वाले चाकू थे। वह सामग्री की विशिष्टता थी। एक छोटे से फेंकने वाले चाकू के लिए आवश्यक सामग्री बनाने के लिए पिग आयरन को 1000 पाउंड से अधिक खर्च करने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर असाधारण खेती के साथ काले स्केल वाले सांप के तराजू को सीधे ग्रैंड मास्टर ग्रेड फेंकने वाले चाकू में परिष्कृत किया जा सकता है। दोनों में यही अंतर था। बेशक एक और कारक था। यह इसलिए था क्योंकि ये जियो ने ईश्वरीय शिल्प कौशल का अभ्यास किया था कि वह ग्रैंड मास्टर ग्रेड फेंकने वाले चाकू को आसानी से परिष्कृत कर सकता था। यदि यह अन्य लोहार होते तो एक उत्कृष्ट श्रेणी के फेंकने वाले चाकू को परिष्कृत करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा था। ये जियो का समग्र कौशल स्तर दूसरों से आगे निकल गया। उसकी खेती की तरह जब वह एक ग्रैंड मास्टर था तो वह पहले से ही एक स्लैश के साथ नदी को विभाजित करने में सक्षम था। हालांकि अगर यह किन शिंगलोग और अन्य जैसे साधारण ग्रैंड मास्टर थे तो तलवार की किरण का उत्पादन करने में सक्षम होना, जो कि 700 फीट लंबी थी, पहले से ही उनकी सीमा थी। अगर वे नदी के पानी को विभाजित करना चाहते हैं तो यह और भी हास्यास्पद होगा। यही कारण था कि ये जियो ने राजा एल को मारने के बारे में सोचने की हिम्मत की। वह रैंक पार कर सकता था।
यह ठीक वैसा ही था जैसे एक छोटा वर्ग एक बड़े वर्ग से लड़ रहा हो। डॉट डॉट डॉट। अगली सुबह ये जियो ने अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए कुछ केकड़े रो सूप बंस खाए और मसालेदार सूप का कटोरा पिया। इसके बाद वह सामान की दुकान पर गया। वह केवल एक छोटा सा फेंकने वाला चाकू बेच रहा था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह बेनकाब हो जाएगा। कुछ अधिक महंगी वस्तुओं को काला बाजार में बेचा जा सकता है। हर बार जब वह काला बाजार जाता तो वह अपना चेहरा बदल लेता एक्सपोजर को रोकने के लिए। बॉस जू, अरे ये जियो यहाँ है। क्या आप सामग्री खरीद रहे हैं या चीजें बेचना? इस बार आप कौन सा अच्छा सामान बेचना चाहते हैं? क्या मैंने कल तुम्हें फेंकने वाला चाकू नहीं बेचा था? जब मैं वापस गया तो मुझे एहसास हुआ कि यह फेंकने वाला चाकू एक नहीं बल्कि एक जोड़ी है। ओह, इतनी अच्छी बात है। बॉस जू की आंखें चमक उठी। ये जियो ने सिर हिलाया और फेंकने वाला चाकू दूसरे पक्ष को सौंप दिया। बॉस जू ने देखा और तुरंत प्रशंसा के अलावा मदद नहीं कर सका। अच्छा सामान ये जियो। हथियारों को परिष्कृत करने में आपके पूर्वजों की शिल्प कौशल वास्तव में खराब नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके हथियारों को परिष्कृत करने का स्तर इतना अधिक है। बॉस शू खरीदारी करने में अच्छा था, इसलिए उसे कोशिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक नजर से वह फेंकने वाले चाकू के ग्रेड और रिफाइनिंग कौशल में दो फेंकने वाले चाकू के बीच समानताएं देख सकता था। रिफाइनिंग के क्षेत्र में सबके तरीके अलग थे। शुरुआत में मतभेद बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे शोधन का स्तर बढ़ता गया अंतर और अधिक स्पष्ट होते गए। रिफाइनर द्वारा परिष्कृत किए गए हथियारों में स्पष्ट विशेषताएं होंगी। यह विशेषता रिफाइनर की आदतों स्वभाव आदि पर निर्भर करती थी। यह ऐसा था जैसे उसने अपने ही जीन को उसमें इंजेक्ट कर दिया हो। जहां तक ग्रेड के बीच अंतर की बात है तो यह और भी आसान था। साधारण और पारलौकिक के बीच कठोरता एक नजर में देखी जा सकती थी। बस इसमें कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़कर इसे परखा जा सकता है। दूसरी ओर ग्रैंडमास्टर ग्रेड आयुध पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आप अवशोषित करने की क्षमता तक पहुंच चुके थे। वह भी ग्रैंडमास्टर ग्रेड आयुधों का मूल्यवान हिस्सा था। चूंकि वे स्वयं आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात कर सकते थे, इसका अर्थ था कि उनमें स्वयं को ठीक करने की क्षमता थी। जब तक क्षति बहुत गंभीर नहीं थी वे खुद को ठीक कर सकते थे। निस्संदेह यदि उपयोगकर्ता ने आध्यात्मिक ऊर्जा को छोड़ दिया और उसे वस्तु में समाहित कर दिया तो यह मरम्मत में भी तेजी ला सकता है। क्या आप अभी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? यह देखकर कि बॉस जू ने जांच पूरी कर ली है ये जियो ने उदासीनता से कहा। हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे ट्रांसफर करूंगा। बॉस जू ने मुस्कुराते हुए पैसे ट्रांसफर कर दिए। यह अभी भी वही कीमत थी 120,000 युआन। इस तरह ये जियो की संपत्ति पहले ही 300,000 युआन से अधिक हो चुकी थी। ये जियो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये जियो ने अपना हाथ बढ़ाया और लहराया। नहीं, मैं अब भी वही बात कहता हूँ। मैं हथियारों को परिष्कृत करने के लिए बहुत आलसी हूँ। यह आज के बारे में नहीं है। तो यह क्या है? ये जियो, मुझे याद है कि तुम्हारी कोई प्रेमिका नहीं है, है ना? मैं तुम्हें अपनी बेटी का परिचय देना चाहता हूँ। ये जियो एक पल के लिए चुप थी। बॉस जू, मैं फिलहाल एक प्रेमिका नहीं ढूंढना चाहता। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। ये जियो, मैं ईमानदार हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मेरी बेटी निश्चित रूप से आपके लिए काफी अच्छी नहीं है। मेरी केवल एक बेटी है। भविष्य में हमारे परिवार का सारा पैसा निश्चित रूप से मेरे पास जाएगा बेटी। मुझे सिर्फ इसलिए मत देखो क्योंकि मैं एक सामग्री की दुकान खोलती हूँ। मेरे पास अभी भी मेरे बैंक खाते में 50 मिलियन युआन से अधिक है और पुराने शहर में अभी भी एक बड़ा विला ध्वस्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप दोनों को अब विवाह प्रमाण पत्र मिलता है तो विध्वंस आपको अतिरिक्त शुल्क देगा और एक अतिरिक्त घर। चिंता मत करो, यद्यपि आप यहाँ अक्सर आते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको व्यवसाय का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको इसमें धमकाया नहीं जाएगा। इस परिवार में आपका हमेशा एक कहना है। ।। इसके बारे में कैसे? इसके बारे में सोचो। ये जियो के मना करने की प्रतीक्षा किए बिना बॉस जू ने बोलना जारी रखा। जहाँ तक मेरी बेटी की बात है, वह ठीक लग रही है। उसे ऐसी सुंदरता नहीं माना जा सकता जो चंद्रमा को शर्मसार कर दे,
लेकिन वह निश्चित रूप से एक छोटे परिवार से एक जेड है। मैं जीता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक मोटा व्यक्ति धातु के दो बड़े बैग लेकर नीचे चला गया। पिताजी, मैं आपके लिए 10 टन पिग आयरन पहले ही ऊपर ले जा चुका हूँ। चीजों को पहले नीचे रखो, किसी से मिलवाता हूँ। उद्धरण, ये जियो, यह मेरी बेटी है जूदामो। ये जियो ने अपना सिर उठाया और उस महिला की ओर देखा जो लगभग 6 फुट 7 थी। हाँ, उस मजबूत आदमी ने महसूस किया कि उसका दिमाग जो चल रहा था उसे संसाधित करने में असमर्थ था। वास्तव में एक छोटी परिवार की लड़की, परिवार के 5 छोटे सदस्य। यह ये जियो हमारी दुकान का एक पुराना ग्राहक है, वह युवा और होनहार है। ये जियो, यह मेरी बेटी है जूदामो। नमस्ते। जूदामो ने अपनी पैंट पर हाथ पोंछे और अपना दाहिना हाथ फैला दिया। उस चौड़ी पीठ ने ये जियो को फिल्म में अमेरिकन ब्रोनी मैन की याद दिला दी। उसकी त्वचा काली थी, उसके घने बाल, चौड़ी हथेलियां और मोटे होंठ थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका नाम जूदामो था। वह वास्तव में एक बड़ी बिल्ली की तरह थी, वह प्रकार जो वास्तव में शराबी और बड़ा था। ये जियो ने अपना सिर उठाया और दूसरे पक्ष की ओर देखा। उसने बस उसका हाथ हिलाया। नमस्ते, मेरे पिताजी मुझे आपसे मिलवाना चाहते थे, है ना? चिंता मत करो, मेरे पिताजी मोटे हैं लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अभी भी बहुत आत्म जागरूक हूँ। आखिरकार तुम इतने सुंदर आदमी हो। यह है जूदामो का रवैया अच्छा था जिसने ये जियो को थोड़ा हैरान कर दिया। बॉस जू ने जूदामो को जमकर देखा। तुम बेचारी लड़की क्या बकवास कर रही हो? जूदामो ने दुखी होकर उसकी ओर देखा। पिताजी, क्या आप रुक सकते हैं? यदि आप मूर्खतापूर्ण सौदेबाजी करते रहते हैं और मुझे लोगों से परिचय करते रहते हैं तो खुद का उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? तुम दुखी लड़की, तुम भी नहीं कर सकते, एक साथी ढूंढो। भविष्य में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तब मैं बस एक नर्सिंग होम में रहूंगा। ये जियो ने पिता और बेटी को आपस में झगड़ते देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मिस, आपको अपने आप को बहुत कम बेचने की आवश्यकता नहीं है। एक खूबसूरत दिल वाकई खूबसूरत होता है, और अधिक विनम्र शब्दों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे सुनने से मेरे कान लगभग बंद हो गए हैं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपना कच्चा लोहा हिलाना जारी रखूंगा। अभी भी कुछ टन बाकी है। ये जियो ने सिर हिलाया। जू दमाओ जल्दी से चले गए, जबकि बॉस जू ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, इस मनहूस लड़की के पास वास्तव में दिमाग ही नहीं है। ये जियो ने हड़बड़ी में कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, कम से कम यह तुमसे बेहतर है, वही ईमानदार है। बॉस जू शर्मिंदा होकर मुस्कुराया, लेकिन वह मोटी चमड़ी वाला था और कुछ नहीं बोला। ये जियो ने फिर से बात की, बॉस जू, मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में खबर फैले। मुझे उम्मीद है कि जब आप चाकू फेंकते हैं तो आप दूसरों को मेरा जिक्र नहीं करते हैं, अन्यथा मैं आपके साथ फिर कभी व्यवहार नहीं करूंगा। चिंता मत करो, मैं सभी व्यावसायिक रहस्यों को समझता हूँ। ये जियो ने सिर हिलाया। उस मामले में मैं पहले जाऊंगा। ठीक, उन दोनों ने अलविदा कहा। ये जियो एक कोने में चला गया जहाँ कोई भी आसपास नहीं था। लिंडन के निर्देश की पुष्टि करने के बाद उन्होंने दिव्य आश्रय तकनीक का इस्तेमाल किया और मौके पर ही गायब हो गए। .. उसी समय लिंडन के गहरे पहाड़ों में एक टीम धीरे धीरे पानी के एक कुंड के पास पहुंच रही थी। जंगल में बहुत सी सफेद हड्डियां चुपचाप पड़ी थी। उनमें से ज्यादातर जानवर और तारा जानवर थे, कुछ मनुष्यों के भी थे। लीड में सवार युवक ने धीमी आवाज में कहा, सब लोग सावधान रहें। आगे के कुंड में काले रंग का सांप पहले से ही एक उत्कृष्ट श्रेणी का तारा जानवर है। इसका स्तर कम से कम एक हॉटियन 9वीं कक्षा की ताकत के बराबर है, 10वीं कक्षा के स्टार बीस्ट तक। इस बार हमने बड़ी मेहनत से कंपनी को काम पर रखा, लेकिन यह जानकारी हासिल करना आसान नहीं था। काले आकार के सांप का पूरा शरीर एक खजाना है। इसकी त्वचा और तराजू को कवच में परिष्कृत किया जा सकता है। इसका मांस एक मार्शल कलाकार के रक्त सार को भर सकता है। इसके पित्ताशय को गोलियों में परिष्कृत किया जा सकता है। किसी की दृष्टि में सुधार सांप की हड्डियों, सांप के दांत और इसी तरह। इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और इसके जहर को जहर की गोलियों में परिष्कृत किया जा सकता है।
अगर हम इसे पकड़ सकते हैं तो इसकी कीमत निश्चित रूप से 3 मिलियन से कम नहीं होगी। हर किसी की आंखें मदद नहीं कर सकती थी लेकिन चमक उठती थी। उनका उत्साह शब्दों से परे था। सभी लोग तालाब के पास पहुंचे। दूर से उन्होंने एक 10 फुट लंबे काले रंग का सांप देखा जो एक वयस्क महिला की बांह जितना मोटा था। यह कुंडलित हो गया और धूप सेंकने के लिए किनारे पर बैठ गया। जब तक उनका चुपके से हमला सफल रहा तब तक वे काले रंग के सांप को एक पल में मारने और उसे कम से कम कीमत पर नीचे ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। सबकी सांसें थमी, किसी की गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। वे केवल धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते थे। हालांकि उस समय टीम के सदस्यों में से एक ने गलती से एक पसली पर कदम रखा जो पहले से ही भंगुर थी। एक कुरकुरक दरार ध्वनि दे रही थी। धत्तेरे की, सबका दिल कांप उठा। अगले सेकंड में काले रंग का सांप जो धूप में तप रहा था ने अचानक अपना सिर उठा लिया और सतर्कता से जंगल की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरे हरे रंग के छींटों का वह जोड़ा चारों ओर घूम गया और किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है। जाओ, इसे भागने मत दो, नेता चिल्लाया और हर कोई तुरंत कई पदों से उसे घेरने के लिए आगे बढ़ा। तालाब के पास के योद्धाओं ने कुछ गर्म हथियार, वोल्टेज पल्स ग्रेनेड फेंके और काले आकार के सांप के बचने के रास्ते को तालाब में काट दिया जिससे वह जंगल में चला गया। अन्य योद्धाओं ने व्यवस्थित तरीके से हमला किया। पलक झपकते ही काले रंग के सांप के शरीर पर कुछ चिंगारियां दिखाई दी। कुछ मार्शल कलाकारों के हथियार उच्च श्रेणी के थे इसलिए काले रंग का सांप यह देखने में सक्षम था कि फूल मौके पर इतने लाल क्यों थे। काले रंग के सांप ने दर्द महसूस किया और एक तेज फुफकारने लगा। उसकी लंबी पूंछ बिजली की तरह बाईं ओर दो लोगों की ओर लपकी। आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी लंबी पूंछ के चारों ओर लिपटी हुई थी और एक लंबे ब्लेड की तरह इसने सीधे दो लोगों के कवच को फाड़ दिया। इसने उनकी छाती पर दो चमकीले लाल रक्त के निशान छोड़े। दो लोगों को हवा में ताजा खून थूकते हुए उड़ते हुए भेजा गया क्योंकि वे पीछे की ओर उड़ रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वे जमीन पर उतर पाते अन्य लोगों ने पहले ही आगे बढ़ने का मौका ले लिया और अपने हथियारों के साथ काले स्केल वाले सांप के शरीर पर ताला लगा दिया। नेता ने सीधे तलवार से काले रंग के सांप का सिर काट दिया। एक रोमांचक लड़ाई समाप्त हो गई थी। जमीन पर लगातार फड़फड़ा रहे काले चमड़ी वाले सांप के सिर और काले रंग के सांप के शरीर को देखकर हर कोई प्रसन्न मुस्कान प्रकट करने लगा। वह हो गया था। नेता ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत बोला, चिकित्सक घायल साथियों को चंगा, आप में से बाकी जल्दी से सांप के शरीर को कुंडलित करें। ताजा खून अन्य स्टार जानवरों को आकर्षित करेगा, हमें जल्दी से जाना होगा। हाँ, हर कोई विधिपूर्वक अपने कार्यों के बारे में चला गया और पूरी टीम खुशी से भर गई। हालांकि उस समय नेता ने अचानक एक फुफकार सुना। वह आवाज काले शल्क के सांप से भी गहरी थी। यह ऐसा था मानो आसपास की हवा की एक बड़ी मात्रा को एक विशाल स्थान में समाहित कर लिया गया हो। उस समय नेता का पूरा शरीर मदद नहीं कर सकता था लेकिन ठंड महसूस कर रहा था जैसे कि वह एक बर्फ की गुफा में गिर गया हो। जब वह अभी अभी आया था तो उसने बहुत सी सफेद हड्डियां देखी थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि उन्हें काले रंग के सांप द्वारा खा लिया जाना चाहिए था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि काले रंग का सांप बहुत छोटा था। यह संभवतः गायों के आकार के जानवरों को नहीं खा सकता था। आखिरकार सांपों ने सीधे खाना खाया, अपने पेट में पचा लिया और हड्डियों को बाहर निकाल दिया। इसके अलावा इतना खाना असंभव था। फिर काले रंग का सांप कितना बड़ा था जो इतना खाना खा सकता था और इतने बड़े जानवरों को खा सकता था। यह सोचकर नेता तुरंत चिल्लाए, जल्दी करो, चलो चलते हैं, काले रंग के सांप को छोड़ दो, चलो पीछे हटो। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। उसने अभी अभी अपना मुंह खोला था कि एक विशाल काली छाया अचानक जंगल से बाहर कूद गई और एक मुंह में जहर उगल दिया। एक पल में दो मार्शल कलाकार इस हद तक पिघल गए कि एक भी हड्डी नहीं बची। ये जियो हमारी दुकान का एक पुराना ग्राहक है, वह युवा और होनहार है। ये जियो, यह मेरी बेटी है जूदामो। नमस्ते जूदामो, ने अपनी पैंट पर हाथ पोंछे और अपना दाहिना हाथ फैला दिया। उस चौड़ी पीठ ने ये जियो को फिल्म में अमेरिकन ब्रोनी मैन की याद दिला दी। उसकी त्वचा काली थी, उसके घने बाल, चौड़ी हथेलियां और मोटे होंठ थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका नाम जूदामो था।
वह वास्तव में एक बड़ी बिल्ली की तरह थी। वह प्रकार जो वास्तव में शराबी और बड़ा था। ये जियो ने अपना सिर उठाया और दूसरे पक्ष की ओर देखा। उसने बस उसका हाथ हिलाया। नमस्ते, मेरे पिताजी मुझे आपसे मिलवाना चाहते थे, है ना? चिंता मत करो, मेरे पिताजी मोटे हैं लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अभी भी बहुत आत्म जागरूक हूँ। आखिरकार तुम इतने सुंदर आदमी हो। यह है जू दामो का रवैया अच्छा था जिसने ये जियो को थोड़ा हैरान कर दिया। बॉस जू ने जू दामो को जमकर देखा। तुम बेचारी लड़की क्या बकवास कर रही हो? जू दामो ने दुखी होकर उसकी ओर देखा। पिताजी क्या आप रुक सकते हैं? यदि आप मूर्खतापूर्ण सौदेबाजी करते रहते हैं और मुझे लोगों से परिचय करते रहते हैं तो खुद का उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? तुम दुखी लड़की, तुम भी नहीं कर सकते, एक साथी ढूंढो। भविष्य में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तब मैं बस एक नर्सिंग होम में रहूंगा। ये जियो ने पिता और बेटी को आपस में झगड़ते देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मिस, आपको अपने आप को बहुत कम बेचने की आवश्यकता नहीं है। एक खूबसूरत दिल वाकई खूबसूरत होता है, और अधिक विनम्र शब्दों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे सुनने से मेरे कान लगभग बंद हो गए हैं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपना कच्चा लोहा हिलाना जारी रखूंगा। अभी भी कुछ टन बाकी हैं। ये जियो ने सिर हिलाया। जू दमाओ जल्दी से चले गए, जबकि बॉस जू ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, इस मनहूस लड़की के पास वास्तव में दिमाग ही नहीं है। ये जियो ने हड़बड़ी में कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। कम से कम यह तुमसे बेहतर है, वही ईमानदार है। बॉस जू शर्मिंदा होकर मुस्कुराया, लेकिन वह मोटी चमड़ी वाला था और कुछ नहीं बोला। ये जियो ने फिर से बात की, बॉस जू मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में खबर फैले। मुझे उम्मीद है कि जब आप चाकू फेंकते हैं तो आप दूसरों को मेरा जिक्र नहीं करते हैं, अन्यथा मैं आपके साथ फिर कभी व्यवहार नहीं करूंगा। चिंता मत करो, मैं सभी व्यावसायिक रहस्यों को समझता हूँ। ये जियो ने सिर हिलाया। उस मामले में मैं पहले जाऊंगा। ठीक, उन दोनों ने अलविदा कहा। ये जियो एक कोने में चला गया जहाँ कोई भी आसपास नहीं था। लिंडन के निर्देश की पुष्टि करने के बाद उन्होंने दिव्य आशय तकनीक का इस्तेमाल किया और मौके पर ही गायब हो गए। उसी समय लिंडन के गहरे पहाड़ों में एक टीम धीरे धीरे पानी के एक कुंड के पास पहुंच रही थी। जंगल में बहुत सी सफेद हड्डियां चुपचाप पड़ी थी। उनमें से ज्यादातर जानवर और तारा जानवर थे, कुछ मनुष्यों के भी थे। लीड में सवार युवक ने धीमी आवाज में कहा, सब लोग सावधान रहें। आगे के कुंड में काले रंग का सांप पहले से ही एक उत्कृष्ट श्रेणी का तारा जानवर है। इसका स्तर कम से कम एक हॉटियन 9वीं कक्षा की ताकत के बराबर है, 10वीं कक्षा के स्टार बीस्ट तक। इस बार हमने बड़ी मेहनत से कंपनी को काम पर रखा, लेकिन यह जानकारी हासिल करना आसान नहीं था। काले आकार के सांप का पूरा शरीर एक खजाना है। इसकी त्वचा और तराजू को कवच में परिष्कृत किया जा सकता है। इसका मांस एक मार्शल कलाकार के रक्त सार को भर सकता है। इसके पित्ताशय को गोलियों में परिष्कृत किया जा सकता है। किसी की दृष्टि में सुधार सांप की हड्डियों, सांप के दांत और इसी तरह। इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और इसके जहर को जहर की गोलियों में परिष्कृत किया जा सकता है। अगर हम इसे पकड़ सकते हैं तो इसकी कीमत निश्चित रूप से 3 मिलियन से कम नहीं होगी। हर किसी की आंखें मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन चमक उठती थी। उनका उत्साह शब्दों से परे था। सभी लोग तालाब के पास पहुंचे। दूर से उन्होंने एक 10 फुट लंबे काले रंग का सांप देखा जो एक वयस्क महिला की बांह जितना मोटा था। यह कुंडलित हो गया और धूप सेंकने के लिए किनारे पर बैठ गया। जब तक उनका चुपके से हमला सफल रहा, तब तक वे काले रंग के सांप को एक पल में मारने और उसे कम से कम कीमत पर नीचे ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। सबकी सांसें थमी, किसी की गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। वे केवल धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते थे। हालांकि उस समय टीम के सदस्यों में से एक ने गलती से एक पसली पर कदम रखा जो पहले से ही भंगुर थी। एक कुरकुरक दरार ध्वनि दे रही थी। धत्तेरे की, सबका दिल कांप उठा। अगले सेकंड में काले रंग का सांप जो धूप में तप रहा था ने अचानक अपना सिर उठा लिया और सतर्कता से जंगल की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरे हरे रंग के छींटों का वह जोड़ा चारों ओर घूम गया और किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है।
जाओ, इसे भागने मत दो, नेता चिल्लाया और हर कोई तुरंत कई पदों से उसे घेरने के लिए आगे बढ़ा। तालाब के पास के योद्धाओं ने कुछ गर्म हथियार, वोल्टेज पल्स ग्रेनेड फेंके और काले आकार के सांप के बचने के रास्ते को तालाब में काट दिया, जिससे वह जंगल में चला गया। अन्य योद्धाओं ने व्यवस्थित तरीके से हमला किया। पलक झपकते ही काले रंग के सांप के शरीर पर कुछ चिंगारियां दिखाई दी। कुछ मार्शल कलाकारों के हथियार उच्च श्रेणी के थे, इसलिए काले रंग का सांप यह देखने में सक्षम था कि फूल मौके पर इतने लाल क्यों थे। काले रंग के सांप ने दर्द महसूस किया और एक तेज फुफकारने लगा। उसकी लंबी पूंछ बिजली की तरह बाईं ओर दो लोगों की ओर लपकी। आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी लंबी पूंछ के चारों ओर लिपटी हुई थी और एक लंबे ब्लेड की तरह इसने सीधे दो लोगों के कवच को फाड़ दिया। इसने उनकी छाती पर दो चमकीले लाल रक्त के निशान छोड़े। दो लोगों को हवा में ताजा खून थूकते हुए उड़ते हुए भेजा गया क्योंकि वे पीछे की ओर उड़ रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वे जमीन पर उतर पाते, अन्य लोगों ने पहले ही आगे बढ़ने का मौका ले लिया और अपने हथियारों के साथ काले स्केल वाले सांप के शरीर पर ताला लगा दिया। नेता ने सीधे तलवार से काले रंग के सांप का सिर काट दिया। एक रोमांचक लड़ाई समाप्त हो गई थी। जमीन पर लगातार फड़फड़ा रहे काले चमड़ी वाले सांप के सिर और काले रंग के सांप के शरीर को देखकर हर कोई प्रसन्न मुस्कान प्रकट करने लगा। वह हो गया था। नेता ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत बोला, चिकित्सक घायल साथियों को चंगा, आप में से बाकी जल्दी से सांप के शरीर को कुंडलित करें। ताजा खून अन्य स्टार जानवरों को आकर्षित करेगा, हमें जल्दी से जाना होगा। हाँ, हर कोई विधिपूर्वक अपने कार्यों के बारे में चला गया और पूरी टीम खुशी से भर गई। हालांकि उस समय नेता ने अचानक एक फुफकार सुना। वह आवाज काले शल्क के सांप से भी गहरी थी। यह ऐसा था मानो आसपास की हवा की एक बड़ी मात्रा को एक विशाल स्थान में समाहित कर लिया गया हो। उस समय नेता का पूरा शरीर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ठंड महसूस कर रहा था जैसे कि वह एक बर्फ की गुफा में गिर गया हो। जब वह अभी अभी आया था तो उसने बहुत सी सफेद हड्डियां देखी थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि उन्हें काले रंग के सांप द्वारा खा लिया जाना चाहिए था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि काले रंग का सांप बहुत छोटा था। यह संभवतः गायों के आकार के जानवरों को नहीं खा सकता था। आखिरकार सांपों ने सीधे खाना खाया, अपने पेट में पचा लिया और हड्डियों को बाहर निकाल दिया। इसके अलावा इतना खाना असंभव था। फिर काले रंग का सांप कितना बड़ा था जो इतना खाना खा सकता था और इतने बड़े जानवरों को खा सकता था। यह सोचकर नेता तुरंत चिल्लाए, जल्दी करो, चलो चलते हैं, काले रंग के सांप को छोड़ दो, चलो पीछे हटो। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। उसने अभी अभी अपना मुंह खोला था कि एक विशाल काली छाया अचानक जंगल से बाहर कूद गई और एक मुंह में जहर उगल दिया। एक पल में दो मार्शल कलाकार इस हद तक पिघल गए कि एक भी हड्डी नहीं बची। अपने आप से बुदबुदाने के बाद ये जियो ने काले आकार के सांप की विशाल लाश को देखा, जो आंगन में आधे हिस्से में बंटी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। वह काले रंग का सांप बहुत बड़ा था। यह 50 फीट से भी ज्यादा लंबा था और इसकी मोटाई एक नाचने वाली लड़की की कमर से भी ज्यादा थी। करीब से देखने पर उसके सिर पर कुछ छोटे उभरे हुए सींग भी थे। यह अफवाह थी कि एक सांप 1000 साल तक खेती करने के बाद ही अजगर बन सकता है। एक अजगर 1000 साल तक खेती करने के बाद ही नवेली ड्रैगन बन सकता है। एक नवोदित अजगर 1000 वर्षों के क्लेश को पार करने के बाद ही एक अजगर बन सकता है। उस साथी की उम्र का अनुमान 1000 साल से थोड़ा अधिक था। यदि इसे पृथ्वी पर रखा जाता तो यह निश्चित रूप से एक विशेष लुप्तप्राय और संरक्षित जानवर होता। इसकी खेती शियांशन 3री कक्षा में है। यह शियांशन 4थी कक्षा में आगे बढ़ने से बस कुछ ही दूर है। क्यों ना हम पहले इसे पुनर्जीवित करें, फिर इसे उत्प्रेरित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करें और इस अंतिम दहलीज पर कदम रखने में मदद करें। फिर उसने वैसा ही किया जैसा उसने योजना बनाई थी। आखिरकार जियांटियन 4थे दर्जे के स्टार बीस्ट को खोजना बहुत मुश्किल था। यदि इसे शियांशन 4थे दर्जे के स्टार जानवर की त्वचा से परिष्कृत किया गया था तो परिष्कृत कवच निश्चित रूप से शियांशन 3रे दर्जे के स्टार जानवर से आगे निकल जाएगा। मॉर्निंग स्टार मेथड सक्रिय किया गया था। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ काले आकार के सांप के शरीर से एक सुनहरी चमक निकली।
यह वास्तव में पुनरुत्थान की प्रक्रिया के दौरान अपने आप विकसित हुआ। क्या एक साथी, इसने उससे बहुत परेशानी से बचाया। ये जियो को यह उम्मीद नहीं थी कि जब काले रंग का सांप विकसित होगा तो वह अपने आप अपनी पिछली खाल उतार देगा। दूसरे शब्दों में, वह दो सांप की खाल प्राप्त करेगा। एक शियांशन तीसरी श्रेणी का काला स्केल वाला सांप था और दूसरा शियांशन चौथी श्रेणी का काला स्केल वाला सांप था। वह बहुत अच्छी योजना थी। भविष्य में सांप प्रकार के तारे के जानवरों को मारते समय वह इसे एक बार उत्प्रेरित कर सकता था, इसे विकसित होने देता था और फिर इसे मार देता था। नहीं नहीं नहीं, यदि वह हर बार उसकी खाल उतारता और उसे चंगा करने में मदद करने के लिए उपचारात्मक साधना तकनीक का उपयोग करता तो वह सांप की कई खालों की खाल निकालने में सक्षम होता। उत्तम, काले रंग का सांप जल्दी से जीवित हो गया और उसकी चेतना अराजकता से जाग गई। मुझे याद है कि मैं एक मानव हमले से मारा गया था। मुझे क्यों पुनर्जीवित किया गया है? मेरी साधना शियांशन चौथी कक्षा तक भी बढ़ गई है। क्या यह हो सकता है कि जब मैं मृत्यु के कगार पर था तब मैं आगे बढ़ गया था? हा, यह वास्तव में भेस में एक आशीर्वाद है। ग्रैंड मास्टर स्तर का स्टार बीस्ट मानव भाषा बोलना सिर्फ बच्चों का खेल था। हंसते हुए काले रंग के सांप ने अचानक ये जियो को अपने सामने देखा। एक अत्यंत दुस्साहसी मानव बग जिसने वास्तव में उसके पास खड़े होने की हिम्मत की। सबसे अधिक संभावना है यह एक मार्शल आर्टिस्ट था जिसे मनुष्यों द्वारा उसकी लाश की रक्षा के लिए भेजा गया था। यह बस चुनौतीपूर्ण था ग्रैंड मास्टर स्तर के स्टार बीस्ट की गरिमा। एक पल में काले स्केल वाले सांप का रोष आकाश में बढ़ गया। डीप मेंड ह्यूमन डेमी स्प्लैट डॉट डॉट डॉट। काले रंग के सांप ने ये जियो को देखा जो अपनी आंखों में एक अलग दिशा में मुड़ गया था, साथ ही 7 इंच दूर से आने वाले आंसू दर्द को भी देखा। उसका बड़ा सिर असमंजस में डूब गया। जब वह एक डंडे से जमीन पर गिरा तो तेज दर्द ने उसे काफी हद तक शांत कर दिया। नहीं नहीं, वह आदमी इसकी रखवाली करने वाला मानव योद्धा नहीं था। वह आदमी मानव योद्धा था जिसने उसे मार डाला था। उस समय काले रंग के सांप का हृदय निराशा से भर गया। उस तलवार की भव्यता को कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उस मानव योद्धा की तलवारबाजी इतनी मजबूत थी कि उसने सांप को सिकोड़ दिया। फिर भी यह वास्तव में उसके हाथों में पड़ गया था। वह कितना दुखद था। उसके हृदय में निराशा का एक उजाड़ भाव उमड़ पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियांटियन चौथी कक्षा में आगे बढ़ने के बाद उसका सामना ऐसे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ से होगा। अंत में उसे उसकी तलवार से काट दिया गया था। यदि राजा एल अभी भी आसपास होता तो उसे इतना बड़ा अपमान क्यों सहना पड़ता? स्टार बीस्ट की शक्तिशाली जीवन शक्ति ने इसे एक पल में मरने से रोक दिया, लेकिन इसने इसे और भी दर्दनाक बना दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने व्यक्तिगत रूप से मानव को अपनी त्वचा को फड़फड़ाते हुए देखा था। यदि यह अपेक्षित था तो दूसरा पक्ष अपनी त्वचा का उपयोग कवच को परिष्कृत करने, अपने शरीर की रक्षा करने और अन्य स्टार जानवरों से निपटने के लिए इसका उपयोग करने के लिए करेगा। यह कैसा अपमान था। रहने भी दो, बलवान ने दुर्बल का शिकार किया। वह प्रकृति का नियम था। यह पहले भी काफी लोगों को खा चुका था। यह काफी था। मनुष्य, जब 7 तारे संरेखित हो गए और मेरा राजा लौट आया तो मैं जियांगई शहर के सभी मनुष्यों को दबा दूंगा और उन्हें तारा जानवरों के भोजन में बदल दूंगा। मैं उनमें से हर एक को खाऊंगा। मैं पहले निकलूंगा और आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। काले रंग के सांप की चेतना पहले से ही धुंधली होने लगी थी। हालांकि इसने न केवल मृत्यु के बारे में सोचना बंद कर दिया बल्कि इसके लिए तरसना भी शुरू कर दिया। हालांकि उस समय गर्म ऊर्जा अचानक उसके शरीर और चेतना के चारों ओर लिपट गई जिससे वह धीरे धीरे जाग गई। 2 सेकंड बाद उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया। इससे काले रंग का सांप गूंगा हो गया और हार गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य के पास विवेक है और वह अब मुझे मारना नहीं चाहता? जैसे ही उस विचार का खुलासा हुआ काले चमड़ी वाले सांप की गर्दन में अचानक एक बार फिर दर्द होने लगा। उसकी आंखों में ये जियो एक बार फिर झुक गया। तभी उसकी गर्दन फिर से कट गई। FCK। तभी काले रंग के सांप को समझ में आया कि दूसरे पक्ष के पास विवेक नहीं है और वह उसे बचाना चाहता है। इसके बजाय वह इसे ठीक करना चाहता था और इसे फिर से त्वचा देना चाहता था। 10 मिनट बाद, इंसान ज्यादा दूर मत जाओ।
20 मिनट बाद, इंसान, तुम्हें इसका पछतावा होगा। 30 मिनट बाद, @#%, 40 मिनट बाद, ।. 50 मिनट बाद, ।. FCQ PFFT। उस समय ये जियो ने काले रंग के सांप को फिर से जीवित करना जारी नहीं रखा। यदि वह फिर से जीवित हो गया तो दूसरा पक्ष वास्तव में शाप दे सकता है। हालांकि वह एक अनाथ था, फिर भी वह अपनी माँ से पैदा हुआ था। वह एक छोटे से लाभ के लिए दूसरों को अपनी माँ को श्राप देने नहीं दे सकता था। इसके अलावा ये जियो ने काले रंग के सांप की खाल को देखा, जिसे अब यार्ड में नहीं भरा जा सकता था, और एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। सांप की खाल, उस सांप की खाल के अलावा जिसे शुरुआत में जियांटियन तीसरी श्रेणी के सांपों की खाल थी, जो कि जियांटियन चौथी श्रेणी के सांप की खाल थी। उनका लचीलापन, विस्तारशीलता और सांप की खाल पर तराजू के रक्षात्मक गुण सभी शीर्ष सामान थे। शस्त्र शोधन में अपनी ईश्वरीय शिल्प कौशल के साथ वह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कवच को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। उस समय रात हो चुकी थी। ये जियो ने काले रंग के सांप के शरीर पर सांप के मांस को देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। हुआन लियोली, आग जलाओ। आज रात हमारे पास अतिरिक्त भोजन होगा, बियर और खेल बारबेक्यू। समझ गया, हुआन लियोली ने उदासीनता से उत्तर दिया। वह दिन न केवल काले चमड़ी वाले सांप की यातना से भरा था, यह उसकी यातना भी थी। वास्तव में ये जियाओ के हाथों में एक जियांटियन चौथी श्रेणी का काला आकार का सांप था। यह एक चाल भी नहीं चल सका और बार बार उसके द्वारा चमड़ी उतार दी गई। अगर यह एक इंसान होता तो हुआन लियोली को कुछ भी महसूस नहीं होता। हालांकि यह एक स्टार जानवर था, वह अलग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक स्टार बीस्ट भी थी। यह ऐसा ही था कि जब किसी मछली की चमड़ी को देखा जाता है तो मनुष्य को कोई सहानुभूति नहीं होती। हालांकि क्या होगा अगर एक मछली ने अपनी ही तरह की चमड़ी को देखा। हुआन लियोली बहुत संदिग्ध था। ये जियो बार बार काले स्केल वाले सांप की खाल उतार रहा था। हो सकता है कि किसी प्रकार का उद्देश्यपूर्ण संकेत हो। यह उसे इशारा कर रहा था कि उसे और अधिक ईमानदार होना चाहिए। हुआन लियोली ने उसके दिल में ठहाका लगाया। ये जियो, अगर आपको लगता है कि ऐसा दृश्य मुझे डरा सकता है तो आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। 400 वर्षों में मैं निश्चित रूप से आपको एक पालतू जानवर के रूप में ले जाऊंगा। उस समय मैं निश्चय ही तुम्हें बेरहमी से उजाड़ दूंगा। हे, आप किस बारे में हंस रहे हैं? दूर से ये जियो ने हुआन लियोली को देखा। हुआन लियोली ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और तुरंत अपने मुंह के कोने से लार को पोंछ दिया। ओह, ज्यादा कुछ नहीं। मास्टर जी, नाराज मत होइए। आप यहाँ आग क्यों लगा रहे हैं? ... आधे घंटे बाद ये जियो आग के किनारे बैठ गई। हुआन लियोली ने पहले ये जियो को पके हुए सांप के मांस का पहला कटार दिया। मास्टर, कृपया पहले स्वाद लें। ये जियो इसका आनंद लेने की जल्दी में नहीं थी। उसने सांप का मांस लिया और उसे विभिन्न खाद्य सामग्री में डुबो दिया। हाई एंड बारबेक्यू आमतौर पर ताजी सामग्री का उपयोग करता है। यदि स्थितियां अनुमति देती हैं, तो आपको काली मिर्च और जीरा मिलाना होगा। अगर स्वाद हल्का है तो आप बस उस पर थोड़ा नमक छिड़क सकते हैं। अगर स्वाद भारी है तो आपको मिर्च की मदद की आवश्यकता होगी, पाउडर। केवल इस तरह से एक सुगंधित, कोमल, नमकीन और मसालेदार बारबेक्यू को पूरा माना जा सकता है। गलत, हुआन लियोली ने एक और लार निगल ली। मास्टर सही है, ये जियो ने इसे चखा और उसकी आंखों में रोशनी नहीं आई। अच्छा सांप का मांस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि काले रंग के सांप की त्वचा इतनी सख्त होगी। इसके मांस की ताजगी और स्वादिष्टता की डिग्री मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। यह गोमांस के टुकड़े जैसा लगता है, जिसे स्टार्च द्वारा नरम किया गया है। ऐसा भी लगता है कि इसमें मेमने का तेल मिला दिया गया है। काटने के बाद त्वचा कुरकुरी हो गई और चर्बी फट गई, जिससे लोगों को पूर्ण संतुष्टि का एहसास हुआ। दूसरी ओर अंदर से कोमल और नाजुक थी। इसे बिना चबाए कुचल दिया जाएगा। उत्तम, ये जियो की प्रशंसा सुनकर हुआन लियोली ने तुरंत एक कटार निकाला और खुद उसका स्वाद चखा। चूंकि उसने बहुत जल्दी खा लिया, उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। गर्मी इतनी तेज थी कि वह चीख पड़ी और मौके पर ही आगे पीछे कूद गई। ये जियो ने अपना सिर हिलाया और अवाक होकर मुस्कुराए।
उसने बियर की एक बोतल खोली और कतार और बारबेक्यू खाना जारी रखा। हालांकि वह कुछ सोच रहा था, पहले ये जियो ने कुछ स्टार बीस्ट बारबेक्यू भी खाया था। उन्होंने महसूस किया कि कुछ स्टार बीस्ट के अलावा जिनका मांस थोड़ा खुरदरा था, ज्यादातर स्टार बीस्ट के मांस का स्वाद बहुत अच्छा था। जैसे जैसे उसकी खेती अधिक गहन होती गई, मांस अधिक कोमल और स्वादिष्ट होता गया। बस एक ज़ियांटियन चौथी श्रेणी के काले स्केल वाले सांप का स्वाद पहले से ही इतना अच्छा था। मुझे आश्चर्य है कि दैवीय संप्रदाय स्तर के राजा एल का स्वाद कैसा होगा। एक बात और थी, काली चमड़ी वाले सांप का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था। यदि वह एक ही बार में यह सब खा लेता तो बहुत अधिक हानि होती। काले रंग के सांप के मांस को रखने के लिए घर के नीचे एक भंडारण कक्ष बनाना बेहतर होगा। यदि यह बहुत कम था तो वह इसे ठीक करने में मदद करने के लिए मॉर्निंग स्टार मेथड या मेंडिंग द हेवन का उपयोग कर सकता था और इसे इसके कुछ मांस को ठीक करने देता था। किसी भी मामले में साधना तकनीक ने केवल स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग किया, लेकिन जो बरामद किया गया वह वास्तविक मांस था। भविष्य में किंग एल का मांस या यहाँ तक कि अन्य स्टार जानवरों के मांस को भी उस विधि का उपयोग करके संग्रहित किया जा सकता था यदि यह अधिक स्वादिष्ट था। खाने पीने के बाद वे धंधे में लग गए। ये जियो ने हुआन लियुली के लिए भूमिगत एक गहरा गड्ढा खोदने और कल एक संरक्षण सरणी के साथ कुछ निर्माण सामग्री खरीदने की व्यवस्था की ताकि भोजन को स्टोर करने के लिए एक तहखाने का निर्माण किया जा सके। वह खुद कमरे में दाखिल हुआ और कवच को परिष्कृत करने लगा। उसने हाल ही में एक बग को ठीक करने के लिए काट का इस्तेमाल किया था और सैकड़ों सांप की खाल प्राप्त की थी। इतने सारे काले रंग के सांप की खाल, एक के अलावा जो उसने खुद को उतारा, जो कि ज़ियांटियन तीसरी कक्षा थी, बाकी सभी ज़ियांटियन चौथी कक्षा के थे। सैकड़ों शियांशन चौथी श्रेणी के सांप की खाल, क्या अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़ा है। यह सैकड़ों शियांशन चौथी श्रेणी के महान ग्रैंड मास्टरों को मारने के बराबर था। यह लीजेंड अंडर द स्टारी स्काई युद्ध क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युद्ध में प्राप्त स्टार बीस्ट सामग्री से कम नहीं था। जब ये जियो काले रंग के सांप की खाल लेकर आया तो उसने कवच को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उन्होंने सांप की खाल में तत्वों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। वास्तव में एक साधारण लोहार केवल सांप की खाल में से एक को कवच में परिष्कृत कर सकता था। इतने सारे सांपों को कवच में समेटना आसान नहीं था। इसके लिए न केवल शोधन के अनुभव और कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि एक साधना तकनीक की ताकत भी होती है। केवल एक शीर्ष स्तरीय खेती तकनीक में इतने सारे सांपों को कवच में परिष्कृत करने की क्षमता थी। बेशक अगर किसी के पास दैवीय कारीगरी थी तो इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे निश्चित रूप से परिष्कृत कर सकता था। यह सब ये जियो के उसी काले स्केल वाले सांप की त्वचा को लगातार अलग करने के तरीके के लिए धन्यवाद था। उनके जीन बिल्कुल एक जैसे थे। यद्यपि इसे चमड़े का कवच कहा जाता था, यह वास्तव में सामान्य काले चमड़े के कपड़ों के एक सेट की तरह था। यह एक फेंकने वाले चाकू या एक महीन लोहे के लंबे चाकू को गढ़ने से अलग था। चून की सामग्री बहुत महंगी थी। ये जियो ने एक पूरा दिन और दो रातें बिताई। सोमवार की सुबह तक वह उस चमड़े के कवच को पूरी तरह से परिष्कृत करने में सक्षम नहीं था। इसका डिजाइन कुछ हद तक एक लेदर जैकेट और ब्लैक कैजुअल जीन्स जैसा था। जब इसे पहना जाता था तो लोगों को अजीब नहीं लगता था। केवल एक अत्यंत पेचीदा कोण से ही कोई इसे देख पाएगा। इस पर कुछ पैमाने जैसे पैटर्न छपे हुए थे जो थोड़ा रहस्य प्रकट कर रहे थे। यहाँ तक कि एक बहुत उच्च साधना ग्रेड वाला व्यक्ति भी यह बताने में सक्षम नहीं हो सकता है कि उस कवच में कुछ गड़बड़ थी। बस इतना ही इसके दिखने का फायदा था। इसकी व्यवहारिकता को देखते हुए ये जियो ने वास्तव में महसूस किया कि यह पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आप अवशोषित कर सकता है और इसमें कुछ हद तक आत्मरक्षा जागरूकता है। यह कुछ हद तक ये जियो की अपेक्षाओं से परे था। किसी को यह जानना था कि ग्रैंड मास्टर श्रेणी के हथियार और कवच सामान्य और उत्कृष्ट श्रेणी के कवच को पार कर सकते हैं। इसका कारण यह था कि उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित करने में सक्षम होने के अलावा वे आध्यात्मिक ऊर्जा भी संचारित कर सकते थे। यह ठीक वैसा ही था जैसे वह अपनी चालों में आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे जोड़ सकता है, जिससे उन्हें स्वचालित नेविगेशन का प्रभाव मिलता है। एक ग्रैंड मास्टर ग्रेड हथियार या कवच में आध्यात्मिक ऊर्जा जोड़ने के बाद यह आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा के भीतर खुद पर हमला या बचाव कर सकता था। ये जियो ने काले रंग के सांप की खाल से जो कवच परिष्कृत किया था
वह पहले से ही उस स्तर तक पहुंच गया था जहां वह अपनी रक्षा कर सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा की चेतना के साथ यह एक ग्रैंड मास्टर ग्रेड कवच से एक स्तर ऊंचा होगा। तो क्या यह साधना तकनीक के समान होगा और क्या इसे पहले से ही एक शाही श्रेणी का कवच कहा जा सकता है? शाही कवच, ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों शियांशन चौथी श्रेणी के सांप की खाल से परिष्कृत कवच वास्तव में असाधारण था। उस बिंदु तक सोचते हुए ये जियो ने कवच की ताकत का परीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने कवच को जमीन पर रख दिया और सीधे अपनी उंगलियों के बीच एक स्वर क्लींजिंग तलवार किरण को संघनित कर दिया। वेदना, एक बिजली की चिंगारी दिखाई दी, लेकिन कवच पर केवल एक कमजोर खरोंच थी जो नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य थी। ये जियो बहुत खुश हुई। अच्छा कवच, किसी को यह जानना था कि वह हमला करने के लिए रैंकों को पार कर सकता है। उनकी साधना तकनीक बहुत मजबूत थी। यद्यपि उसकी वर्तमान वास्तविक साधना केवल जियांटियन पांचवी कक्षा में थी, उसे पूरा विश्वास था कि वह जिस आक्रमण शक्ति को छोड़ सकता है वह सातवीं कक्षा के दिव्य ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंच जाएगी। हालांकि दिव्य ग्रैंडमास्टर भी कवच की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे। कोई कल्पना कर सकता है कि कवच कितना मजबूत था। बहुत जल्दी कवच ने आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आप अवशोषित कर लिया और उस पर खरोंच की मरम्मत की। ग्रैंड मास्टर ग्रेड और उससे ऊपर के आयुधों में पहले से ही खुद को सुधारने की क्षमता थी। हालांकि ग्रैंड मास्टर ग्रेड आयुध के खराब हो जाने के बाद इसकी मरम्मत में लगने वाले समय की एक निश्चित सीमा थी। उस कवच की मरम्मत में लगने वाला समय बहुत कम था। यह सकता है उस दौर में उन्होंने काफी अच्छी कमाई की थी। ये जियो ने तुरंत कवच पहन लिया। इस कवच और अविनाशी डायमंड डिवाइन आर्ट के साथ मुझे लगता है कि किंग एल मेरे बचाव को नहीं तोड़ पाएगा। इसके बाद मेरी लड़ाकू ताकत बढ़ाने का समय आ गया है। मैंने पहले ही शियांशन छठी कक्षा के मार्शल आर्ट का सही अर्थ समझ लिया है। जब तक मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा साधना उस स्तर तक पहुँच जाती है तब तक मैं किसी भी समय शियांशन छठी कक्षा तक पहुँच सकता हूँ। पिछली रात मैंने कुछ काले रंग के सांप का मांस खाया जिसमें थोड़ा सा रक्तसार था, इसलिए मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती काफी बढ़ गई है। अगर मैं ब्लैक स्केल्ड सांप को एक गोली में परिष्कृत करने के लिए पिल रिफाइनिंग तकनीक का उपयोग कर सकता हूँ तो मुझे जल्दी से शियांशन छठी कक्षा में अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। अपना मन बना लेने के बाद ये जियो ने अपना सामान पैक किया और काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। काले रंग के सांप के कुछ तराजू गिर गए थे और उसने उन्हें चाकू फेंकने के लिए परिष्कृत किया था। उनमें से कुल मिलाकर 20 से अधिक थे। हमेशा की तरह उयेसियो ने नाश्ता खरीदा और चलते चलते खा लिया। काम पर जाते समय वह बॉस जू की दुकान के पास रुक गया। बॉस जू, सामान लेने के लिए बाहर आओ। ठीक, बॉस जू एक मुस्कान के साथ बाहर चला गया। इस बार क्या बेच रहे हो? ये जियो ने एक कपड़े की थैली निकाली और फेंकने वाले सभी चाकू बॉस शू को सौंप दिए। ठीक है, मैंने कल फिर से देखा और पाया कि फेंकने वाले चाकू एक जोड़ी नहीं बल्कि एक दर्जन थे। क्या आप उन्हें चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक लंबी चुप्पी के बाद बॉस जू ने फिर से बात की। ये जियो, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये आपके पूर्वजों के हैं या आपने इसे किसी कब्र से खोदकर निकाला है? मैं आपको बता दूं, मैं गंदी चीजें स्वीकार नहीं करता। अगर स्रोत अज्ञात है तो हम चिंता मत करो। अगर मैं वास्तव में इसे किसी मकबरे से खोदता हूं, तो मैं इसे अकेले आपको नहीं बेच सकता। तुम सही कह रही हो, वे सभी वयस्क थे। अगर ये जियो की चीजें वास्तव में किसी अज्ञात स्रोत से आती है तो वह निश्चित रूप से उन्हें आकस्मिक रूप से देने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपके लिए पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ये जियो ने सिर हिलाया। बॉस शू द्वारा पैसे ट्रांसफर करने के बाद वह मुस्कुराया और फिर से कहा, ये जियो, उस मामले के बारे में जो मैंने आपको कल से एक दिन पहले बताया था, क्या आपने इस पर विचार किया है? मामला क्या है? यह तुम्हारे और मेरी बेटी के बारे में है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बॉस जू, मैं वास्तव में अभी प्यार में नहीं पढ़ना चाहता। तो क्या आपके कोई सहकर्मी या अच्छे दोस्त हैं जो प्यार में पढ़ना चाहते हैं? आप उनका परिचय कराने में मेरी मदद कर सकते हैं। चिंता न करें, मैं आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। अगर आप मुझे मंगनी करने में मदद करते हैं तो मैं उन्हें खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं तुम्हारे शुभ समाचार का इंतजार करूंगा। ठीक,
...... जब ये जियो पुस्तकालय में पहुंचे तो वह पढ़ने के लिए बस बैठे ही थे कि उन्होंने कुछ पाठकों की चर्चा सुनी। वह आ रहा है। कोगा रयू निंजित्सु दिव्य ग्रैंड मास्टर विश्व ड्रैगन सूची में 50वें स्थान पर मुराकामी। बेचुआ ने बात की है। वह अपने शिष्य के नाम को साफ करने के लिए हमारे जियांधाई शहर के रहस्यमय कृपांग गुरु को चुनौती देने आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता था कि वह जल्दी या बाद में आएगा। उसका आखिरी शिष्य मारा गया था। अगर वह नहीं आया तो यह अजीब होगा। हमारा जियांधाई शहर वास्तव में जीवंत है। पहले यह हान राज्य लियु चेंगकसुन का तलवार ऋषि था और अब यह यंग राज्य मुराकामी से कोगा रयू निंजा था। वे दोनों दिव्य संप्रदाय मार्शल कलाकार थे। एक को 47वें स्थान पर रखा गया था विश्व ड्रैगन सूची और दूसरे को 50वां स्थान दिया गया था। अगर वे हम आम लोगों पर हमला करते तो क्या हम खतरे में नहीं पड़ते? आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। वर्ल्ड ड्रैगन सूची में कुल 100 मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं। उनमें से दो मुश्किल से शीर्ष 50 में जगह बना सकते हैं। हमारे 9 में से शीर्ष 50 में पहले से ही 17 मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं। प्रांतों, यहाँ तक कि तलवार सम्राट अजूर ड्रैगन जो विश्व ड्रैगन सूची में पहले स्थान पर था 9 प्रांतों से था। यदि वे साहसी होने की हिम्मत करते तो 9 प्रांतों का गठबंधन निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए ड्रैगन सूची में मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को भेजेगा। यदि वे लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत करते हैं तो यह तब तक होगा जब तक कि वे जीने से थक न जाएं। कारण उन्होंने आने की हिम्मत इसलिए की कि वे हमारे जियांधाई शहर के दो रहस्यमय मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को चुनौती दे रहे थे। जब तक निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता तब तक वे दोनों स्वाभाविक रूप से ठीक रहेंगे। यह सच है। जब ये जियो ने उन कुछ शब्दों को सुना तो वह मदद नहीं कर सका लेकिन तुरंत अपना सिर हिलाया। यह वास्तव में सुलझा नहीं था। फिर भी एक और लहर फिर से उठी थी। पहले लियु चेंगकसुन के साथ कोई व्यवहार नहीं किया गया था और अब एक और मुराकामी बेचुआन आया था। दोनों की ताकत दोनों दैवीय संप्रदाय थे इसलिए उन्हें किंग एयर से थोड़ा मजबूत होना चाहिए, है ना? हालांकि वह बहुत चिंतित नहीं था। आखिरकार यांग झेंगी द्वारा लिखित लीजेंड अंडर द स्टारी स्काई के अनुसार किंग एल की ताकत दैवीय संप्रदाय के पहले स्तर पर होनी चाहिए। लियु चेंगकसुन और मुराकामी बेचुआन के लिए वे पूरी दुनिया में प्रकट दिव्य ग्रैंड मास्टरों में से भी मुश्किल से शीर्ष 50 में प्रवेश कर सके। उनके पास वास्तव में कुछ कौशल था। पहले तो वह पहले अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था इसलिए वह उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा और उन दोनों को वहीं रुकने देगा। किसी भी मामले में 9 प्रांतों के मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के साथ उनमें से दो बहुत अभिमानी होने की हिम्मत नहीं करेंगे। दूसरे, अगर उसकी पहचान उजागर हो गई और उन दोनों ने उसे निशाना बनाया और उसके पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था तो कोई बात नहीं। 7 सितारों के संरेखण का दिन निकट आ रहा था और अब उन दोनों का आना असंभव था। हान और यंग राज्यों को भी स्टार बीस्ट से बचाव करना पड़ा। यह बहुत संभावना थी कि वे दोनों 7 सितारों के संरेखण के दिन के बाद आ जाएंगे। 7 सितारा संरेखण के दिन से पहले उसकी साधना एक समान स्तर तक बढ़ने में सक्षम होनी चाहिए और उसके कीमिया कौशल के संश्लेषित होने की एक उच्च संभावना होनी चाहिए। 7 सितारा उत्तराधिकार के बाद वह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किंग एल का उपयोग करेगा और वह निश्चित रूप से कुछ शक्तिशाली गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। उन्हें यकीन नहीं था कि क्या वह अपनी ताकत को दिव्य ग्रैंड मास्टर रैंक तक बढ़ा पाएंगे लेकिन उन्हें असीम रूप से करीबी स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। उनमें से दो विश्व ड्रैगन सूची में 47वें और 50वें स्थान पर थे। यदि वह वास्तव में उन दोनों को हरा देता तो वह केवल जियांधाई शहर के लोगों और कुछ नेटिजन्स द्वारा नहीं देखा जाता। उस समय उनके अस्तित्व को पूरी दुनिया ने देखा होगा। विभिन्न क्षेत्रों में लड़ने की उसकी क्षमता के साथ उसके लिए उन दोनों को हराना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक अगर वह कर सकता था तो वह कोई कदम नहीं उठाने की पूरी कोशिश करेगा। ये जियो के लिए यह अच्छी बात नहीं थी जो एक लो प्रोफाइल जीवन जीना चाहता था। ...... उसी समय जिनगई मार्शल आर्ट्स अकादमी में किन युयान ने मार्शल आर्ट हॉल में अपनी कृपांग तकनीक का अभ्यास समाप्त किया और तुरंत गर्मजोशी से तालियां बजाई। अच्छा, सभी ने खुशी मनाई और किन युयान ने अपना सम्मान दिखाने के लिए झुककर प्रणाम किया।
उसने जियांगई मार्शल आर्ट्स अकादमी में शिक्षक योग्यता परीक्षा का लिखित भाग पास किया था। अब यह मार्शल आर्ट साक्षात्कार था जिसने उसकी मार्शल आर्ट उपलब्धियों का परीक्षण किया। वास्तव में उसकी मार्शल आर्ट की उपलब्धियों के साथ यह वही था कि उसने परीक्षा दी या नहीं। उसने सासा की तारों को हराया था और उसका स्तर अकादमी के शिक्षक के रूप में विशेष रूप से भर्ती होने के लिए पर्याप्त था। हालांकि अभी एक प्रक्रिया बाकी थी। आखिरकार चेहरा बचाने वाली परियोजना अभी भी की जानी थी। किन शेंगलोंग ने चुटकी ली। युयान, आज आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। अगले दो दिनों में मैं आपकी जानकारी प्राप्त कर लूंगा और कक्षाएं देना शुरू कर दूंगा ताकि आप पढ़ाना शुरू कर सकें। किन युयान ने सिर हिलाया। धन्यवाद दादा। वैसे आपके दूसरे चाचा का भी पिछले दो दिनों में वापस जियांगई शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। मैंने सुना है कि उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। जाओ और पहले उनसे मिलने जाओ। हम आज रात एक साथ खाना खाएंगे। किन परिवार का बूढ़ा मालिक बहुत चतुर था। उसके घुटने के नीचे दो बेटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे किन मिंग्युन किन युयान के पिता भी थे। उसने उसके लिए अंतरिक्ष युद्ध के मैदान में प्रवेश करने की व्यवस्था की थी। उनके दूसरे बेटे किन मिनफेंग को उनके द्वारा झोंग प्रांत में प्रसिद्ध डाली भाड़े के समूह में प्रवेश करने की व्यवस्था की गई थी। दोनों भाइयों में एक फौज में था जबकि दूसरा कारोबार में था। वे एक दूसरे के पूरक थे। इस तरह किन परिवार के पास तैयार करने के लिए दो चीजें थी। चाहे वह आकाश में तारों से भरे युद्ध के मैदान में हो या धरातल पर व्यापार जगत में, उनके बीच एक निश्चित मात्रा में संबंध थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी शाखा विकसित हुई, यह सुनिश्चित करेगी कि किन परिवार लंबे समय तक चलेगा और समृद्ध होगा। किन युयान जल्दी से जियांगई शहर शाखा में डाली रोजगार समूह में आ गया। कार्यालय में वह अपने दूसरे चाचा किन मिनफेंग से मिली। अंकल जी, किन मिनफेंग जो अपने 40वें वर्ष में था का चेहरा सख्त और चौकोर था। वह काफी गंभीर लग रहे थे। हालांकि जब उसने किन युयान को देखा तो वह तुरंत मुस्कुराया। यह युयान है, आओ बैठो। इतना कहने के बाद उसने अपने हाथ में दस्तावेज नीचे रख दिए और किन युयान के लिए एक कप चाय डालने की पहल की। उसने एक बुजुर्ग के रूप में अपनी स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और किन युयान को पसंद किया। किन युयान चाय लेने के लिए जल्दी से उठ खड़ी हुई। अंकल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम बड़े हो, तुम हमेशा मेरे लिए चाय नहीं डाल सकते। मैं अपनी भतीजी से प्यार करता हूँ, मुझे एक बड़े के रूप में हवा में क्यों रहना पड़ता है। अंकल, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं खुद चाय डाल सकता हूँ। अगर तुम 100 साल के भी हो जाओ तब भी तुम मेरे लिए बच्चे ही रहोगे। अगर तुम लड़के होते तो न केवल मैं तुम्हें चाय पिलाता बल्कि वह तुम्हें मेहनत और पढ़ाई भी करवाता और कष्ट देता। लेकिन हमसे किसने पूछा पुराना किन परिवार इतने सालों बाद एक छोटी राजकुमारी को पैदा करेगा। किन युयान ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुरा दी। उसने चाय की एक घूंट ली और मदद नहीं कर सकी लेकिन पूछा, वैसे चाचा क्या आप लिंगन शहर में अच्छा नहीं कर रहे हैं? आपको अचानक जियांगई शहर में वापस क्यों स्थानांतरित कर दिया गया? किन मिनफेंग अपनी सीट पर वापस बैठ गए और बेहोशी की सांस ली। इसका जिक्र न करें। हाल ही में मैं लिंगन में था जो स्टार बीस्ट्स को पकड़ने के लिए एक टीम का नेतृत्व कर रहा था। जानकारी में त्रुटि के कारण इसने लगभग पूरी टीम का सफाया कर दिया। अगर यह किसी की मदद के लिए नहीं था, रहस्यमय मार्शल आर्ट विशेषज्ञ, आप शायद अब तक मेरे लिए कागज के पैसे जला रहे होंगे। प्रधान कार्यालय ने मुझे जियांगई शहर वापस जाने, शांत होने और यहाँ शाखा विकसित करने के लिए कहा। यह इतना खतरनाक था। किन युयान थोड़ा हैरान था जबकि किन मिनफेंग ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। यह आपके विचार से कहीं अधिक खतरनाक है। हमारी बुद्धि गलत थी और हम ग्रैंड मास्टर स्तर से ऊपर एक काले स्केल वाले सांप से मिले। सौभाग्य से एक तलवारबाज अचानक से गुजरा और उसे एक तलवार से मार दिया। उसने हमें ठीक करने के लिए एक उपचार तकनीक का भी इस्तेमाल किया। फिर भी हमने कुछ साथियों को खो दिया। वे सभी काले आकार के सांप के जहर से क्षत विक्षत थे और अवशेष का एक निशान भी नहीं बचा था। एक तलवार चलाने वाला। किन युयान और भी हैरान थी। किन मिनफेंग ने फिर कहा, यह सही है। दुर्भाग्य से मुझे उसकी उपस्थिति पर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आया। उस समय स्थिति जरूरी थी।
वह अचानक प्रकट हुआ और उसका पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था। उसके बाद उसने अपनी तलवार घुमाई। पूरी दुनिया एक विशाल विस्तार में थी। मैं भी बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि वह पहले ही जा चुका था और हम सभी उपचार तकनीक से ठीक हो गए थे। यद्यपि मुझे नहीं पता कि वह वही था जिसने हमें बचाया, भले ही वह नहीं था, वह मरहम लगाने वाला निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय चिकित्सक था। हालांकि वह बहुत जल्दी प्रकट हुआ और हमने किसी और को नहीं देखा के जैसा लगना, इसलिए यह संभव होना चाहिए कि वह वही था जिसने हमें बचाया था। यह व्यक्ति वास्तव में एक बेजोड़ मार्शल आर्ट विशेषज्ञ है। न केवल तलवार की तरह उसकी साधना अत्यंत शक्तिशाली है, बल्कि उसकी उपचार कलाएं भी इतनी शक्तिशाली हैं। वह वास्तव में दुनिया में एक दुर्लभ विलक्षण है। किन मिनफेंग ने बार बार प्रशंसा की, जबकि किन युयान पहले से ही गहरे सदमे में था। सुनहरी रोशनी में उस तलवारबाज की आवाज रहस्यमय कृपाण कला विशेषज्ञ की तरह क्यों थी? आखिरकार रहस्यमय कृपाण कला विशेषज्ञ दिखाई दिया और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जियांगई शहर और लिंगन बहुत करीब थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे लिंगन में दिखाई दिए। फिर भी कृपाण कला का एक मास्टर तलवार के रास्ते की खेती कैसे कर सकता है? हालांकि कृपाण कला विशेषज्ञ बहुत मजबूत था, उस दुनिया में बहुत कम लोग एक ही समय में दो से अधिक मार्शल आर्ट को समझ सकते थे, और किसी के लिए दोनों मार्शल आर्ट को उच्च साधना स्तरों पर विकसित करना और भी असंभव था। हालांकि चाचा ने यह भी कहा कि दूसरा पक्ष एक विलक्षण व्यक्ति हो सकता है जिसने तलवार कला और उपचार तकनीक को एक साथ जोड़ा। क्या उन्होंने पहले ही उस दुनिया के सामान्य ज्ञान को तोड़ दिया था? चूंकि वह पहले ही सामान्य ज्ञान को तोड़ चुका था, तो क्यों न एक और तलवार कला की खेती की जाए? यह सोचकर किन युयान का दिल तेजी से धड़कने लगा, यहाँ तक कि उसने खुद भी महसूस किया कि उसके विचार थोड़े पागल हैं। युयान, युयान! थोड़ी देर बाद चाचा की चीख ने किन युयान को उसके अराजक विचारों से जगाया। आह, तुम सदमे में क्यों हो? ओह, कुछ नहीं, मैंने अभी कुछ और सोचा। ओह ठीक है, दादाजी चाहते हैं कि हम आज रात एक साथ डिनर करें। ठीक, जैसा कि उसने कहा, एक बिजनेस सूट में एक सचिव, काले मोजा और एक पतला फिगर एक बड़े